हेलो डियर जी पैट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जी पैट डिस्कशन सेंटर। 31 दिसंबर को जो आपने GDC वीकली टेस्ट अटेम्प्ट किया था, जहां पर फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से आपको MCQ मिले होंगे ग्लाइकोसाइड टॉपिक से, तो आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। इनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो यदि आंसर में, तो यहां पर वो डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे GDC वीकली टेस्ट में, और ज़रूर से आप बहुत अच्छे से GDC वीकली टेस्ट में आप लोग अपीयर हो रहे हैं, साथ ही साथ और भी ज़्यादा मेहनत करने लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे हैं। GDC वीकली टेस्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप सीरियसली GPAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़रूर से रेगुलरली आप हर संडे 5 PM में GDC वीकली टेस्ट में ज्वाइन किया करें, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे यहाँ पर दिया गया था, चूज द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। इनमें से आपको इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई? स्टेरॉयडल दिया है सोरेलिन, साइनोजेनेटिक दिया गया है वाइल्ड चेरी, एंथ्राकिनोन दिया गया है कैस्केरा, एल्डिहाइड दिया गया है वेनिला, ठीक है। इट मीन्स ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? आया हुआ है ये क्लासिफिकेशन से, ठीक है, जो हमारा ग्लाइकोसाइड है। अब ग्लाइकोसाइड के से ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले उनका क्या है क्लासिफिकेशन से देख पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है तो इनमें से जो इनकरेक्ट है, इट मीन्स रॉन्ग कॉम्बिनेशन को आपको चूज यहाँ पर करना होगा। तो देखिए क्या कुछ है दिया गया है, साइनोजेनेटिक वाइल्ड चेरी, जी हाँ ये तो करेक्ट है ना। एंथ्राकिनोन कैस्केरा है, बहुत सही, क्योंकि एंथ्राकिनोन को कैसे याद रखेंगे आप लोग? सना कार, ठीक है, कार से आपको क्या याद रहेगा? कैस्केरा, सी से, ए से आपको एलो याद रखना। अभी मैं पूरा आपको ट्रिक बताऊंगी, चिंता नहीं करिएगा, देखते जाइए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम पूरी ट्रिक को याद रखेंगे, ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन को, ठीक है। आर से हो जाएगा रूबाब, है ना, तो ये भी सही है। एल्डिहाइड वेनिला, ये भी सही है। तो बचा क्या आपका? स्टेरॉयडल, स्टेरॉयडल में दिया गया है सोरेलिन, जो कि क्या है? रॉन्ग है, है ना। और आपको इनकरेक्ट ही चूज करना था, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये क्लासिफिकेशन को याद कैसे करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करना होगा। देखिएगा यहाँ पे देख पाएंगे, एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसे ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। आपकी पूरी क्लासिफिकेशन आपको इजली से याद रहने वाली है इस छोटे से ट्रिक से, ठीक है। चलिए तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले आता है एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड्स, है ना, जिसके लिए आपको क्या करना है, स्टोरी बना लीजिए। पूरी ट्रिक आपको एक ही स्टोरी में याद हो जाएगी। कैसे कुछ स्टोरी रहने वाला है, तो एक थी सना, सना नाम की क्वीन थी, जिसके पास क्या था? कार था। क्या कुछ था? कार था। तो सना से हो जाएगा सेन्ना, ठीक है। एक थी से हो जाएगा एंथ्राक्यूनॉन, है ना। कार से आपको सी से कैस्केरा याद रखना है, ए से एलो याद रखना है, और आर से रूबाब को याद रख लेना है। याद हो गया एंथ्राक्यूनॉन ग्लाइकोसाइड। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, देन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो देखिए कार्डियक को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? दिल, है ना, दिल वर्ड के लिए कार्डियक यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपका, इनका जो दिल था, ये जो सना है उसका दिल था बहुत स्ट्रांग था, जिसके कारण किल करना बहुत मुश्किल था उसको, है ना। तो दिल से आपको डिजिटलिस याद रखना है, स्ट्रांग से स्ट्रोपैंथस याद रखिएगा, था से थीवेटिया याद रख लीजिए, और किल से स्क्वील को इजली से प्रोनंसिएशन में आ रहा है, आप याद रख सकते हैं। सारे ट्रिक को लिखते जाइए, है ना, बहुत ही लॉन्ग ट्रिक है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है आपके लिए, पर जरूर से आप पेन कॉपी निकाल कर इस ट्रिक को लिखते जाइए, है ना। चलिए अब साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड को कैसे याद रखेंगे? इन लोग कहाँ गए थे? कार से गए थे। कहाँ गए थे? जंगल गए थे। तो जंगल को क्या कहते हैं हम लोग? वाइल्ड लाइफ, है ना, मतलब वाइल्ड हो गया यहाँ से, तो वाइल्ड गए थे क्या लेने? चेरी लेने गए थे, ठीक है, चेरी लेने गए थे, तो हो गया वाइल्ड चेरी बार्क। कहाँ गए थे? जंगल गए थे, वो भी चेरी लेने, तो वाइल्ड चेरी बार्क हो गया, जो कि कैसा था? बहुत ही बीटर था टेस्ट में, ठीक है, बीटर था टेस्ट में, तो क्या हो गया? बीटर एलमंड, ठीक है, बीटर एलमंड। अब देखिए बीटर था तब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि क्या कुछ है, ये पॉइजनस हो सकता है। तो जितने मेनली जो साइनोजेनेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं, और इसे से साइनोजेनेटिक आपको याद रहेगा, कि जिसके एग्जाम्पल हैं बिटर एलमंड एंड वाइल्ड चेरी बार्क। फिर क्या कुछ हुआ वहाँ पर जंगल में? अब जान रहे हैं चेरी है तो सांप वगैरह भी होंगी ही जंगल में, तो उस जंगल में क्या हुआ, उनको मिला था क्या? सांप का एक ग्रुप मिला, बोल दीजिए, ठीक है, तो सांप का ग्रुप, ठीक है, तो सांप से सेपोनिन, ग्रुप से ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है। अब वो ग्रुप में कैसे थे? टेट्रासाइक्लिक और पेंटासाइक्लिक, मीन्स चार के ग्रुप में और पाँच के ग्रुप में
थे वो, ठीक है। तो चार के ग्रुप में यदि याद रखें तो चार में से जो दो था बहुत ही शैतान था, तो दो से वो जाएगा डाई, ठीक है। डाई को यूज करते हैं दो के लिए, तो डाई से डाइस्कोरिया, सता रहे थे से सतावरी, ठीक है। दो बहुत ही सता रहे थे जो जो यहाँ पर सांप थे वो। अब जो पांच के ग्रुप में थे उनमें से क्या हुआ, इनके जो फ्रेंड है वो बहुत ही बदमाश भी थे, जिन्होंने क्या किया, जिसने क्या किया, एक लकड़ी से क्या किया, सांप को सर पर ले लिया और उस सांप ने उसको खा भी लिया, ठीक है। तो जिसने से हो जाएगा जिनसेंग, लकड़ी से हो जाएगा लिक्वेरिस, और से हो जाएगा सनेगा, ठीक है। सर पर ले लिया से सारसा पार लिया, और खा लिया से क्वालिया को आप इजली से याद रख सकते हैं। हल्का सा प्रोनंसिएशन आप मैच करते जाएंगे तो आपको इजली से ये ट्रिक याद होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन हर बार जीपेट में पूछे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम है ना पूछे जाते हैं, और याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए एक ही स्टोरी बनाइए, हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा पर आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, उनकी एक फ्रेंड थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखकर उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही डर गए, है ना। जब सांप ने उसके फ्रेंड को एक खा लिया जो बहुत बदमाशी कर रहा था, सर पर ले लिया था उसको, है ना, तो बहुत डर गया और वो क्या किए, भाग कर आ गए, ठीक है। भाग कर आ गए कहाँ पर, कॉन्सर्ट में, जो उसकी एक और फ्रेंड थी उसका कॉन्सर्ट होने वाला था। तो एक थी फ्रेंड जो कि क्या थी, ईसा नाम की थी, ठीक है। तो ईसा थी से क्या हो जाएगा, आइसोथायो, ईसा थी से आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, याद रखिएगा, जो कि बहुत मस्त सिंगिंग करती थी। क्या करती थी, बहुत मस्त सिंगिंग करती थी, तो बहुत मस्त से ब्लैक मस्टर्ड एंड सिंगिंग से सिनी ग्रीन को याद रखना, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, देन उसके बाद क्या हुआ, उसका एक और फ्रेंड था, ठीक है। इसकी तो बहुत सारे ग्रुप थे ना फ्रेंड के जो गए थे कार में, तो फर्स्ट फ्रेंड की क्या थी, सिंगिंग थी, है ना। सेकेंड फ्रेंड क्या था, फ्रेंड था जो कि एल्कोहल पीता था, तो फ्रेंड से एफ से हो जाएगा फ्लेवर, और एल्कोहल के ऑल से तो फ्लेवेनॉल, ऐसे करके याद रख लेना। तो फ्लेवेनॉल क्या किया, इसका जो फ्रेंड था उन्होंने अल्कोहल पिया, ठीक है, सेकंड फ्रेंड है। अब अल्कोहल पीने के बाद वो बहुत बकबक करने लग गया, जिसको फिर क्या की, बकबक सुनकर वो सीला मारी, ठीक है, उसकी जो फ्रेंड थी सीला वो मारी उसको, ठीक है। तो बकबक से बकविट हो जाएगा, जिनको हो जाएगा, ठीक है, जिसको से जिनको याद रख सकते हैं। और फिर सीला मारी, ठीक है, सीला वो बकबक कर रहा था इसलिए उसको मारी, तो सीला मरीन याद रहेगा, है ना, ये स्टेप याद हो गया। अब देखिए, सीला उसको मारी तो फिर जो क्वीन थी वो पूछती है कि क्यों मारी, ठीक है, क्यों मारी से क्यों मैरिन ग्लाइकोसाइड याद रखना। तब वो कहती है अभी शोर कर रहा था तो मारी, ठीक है, अभी शोर कर रहा था, तो एमी ए वी से हो जाएगा अभी से एमी और विस्नागा, शोर से हो जाएगा सोरेलिया, है ना, तो से हो जाएगा टोनकाबीन, और मारी से मैला बैरिस याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, फिर क्या कुछ हुआ, तो देखिए वो ऑलरेडी क्या कर लेता है, ऑलरेडी वो वनीला का आइसक्रीम खाया हुआ रहता है, अल्कोहल तो पिया ही, साथ ही साथ वो वनीला का आइसक्रीम भी खाता है, ठीक है, खा लिया रहता है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी से एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड और वनीला का आइसक्रीम खाता है, जिससे कि एल्डिहाइड आपको याद रहेगा कि क्या है, वनीला है ना। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका जो फादर है उनको बहुत ही उसके लिए वरी हो जाती है, वरी मीन्स चिंता हो जाती है कि जो उसका बेटा है अल्कोहल पी ले रहा है, लड़कियों से मार खा जा रहा है, तो इसका आगे होगा क्या, है ना, तो बहुत वरी करने लगते हैं फादर जी हैं। तो फादर से फिनॉल याद रखना, बहुत वरी से बियर बेरी को याद रखना, है ना, जो क्या करते हैं फिनॉल हो जाएगा बियर बेरी। अब देखिए वो सोचते हैं उनके फादर हैं जो कि वो बहुत ही शैतान है ना, और 16 साल का हो चुका है, शैतान से स्टेरॉयडल याद रखिएगा, शैतान और स्टेरॉयडल एस फॉर, ऐसे करके याद रख लीजिए जैसे बनता है ना। अब देखिए उसके बाद क्या है, 16 साल से आपको सोलेनम याद रहेगा, है ना, 16 साल से सोलेनम याद रख लेना। क्या करते हैं, उनको भेजते हैं एक बैटर गाय नाम के जिम में, ठीक है, बैटर गाय से आपको बिटर ग्लाइकोसाइड याद रखना है ना, बैटर गाय नाम के जिम में भेजते हैं, जिम से जिमनेमा हो गया, जहाँ पर जाकर वो क्या करता है, पिक लेता है, किसके साथ, चिंटू और सिया के साथ पिक लेता है, जिसके कारण उसको क्या करते हैं, बदमाशी करते हुए देख कर लोग उसको जेल में डाल देते हैं, ठीक है। क्या कुछ हुआ देखिए, वो क्या गया, जिम गया, जिम से जिमनेमा, पिक ले रहा था, पिक से पिक्रोइजा, फिर चिंटू से हो जाएगा चिराता, सिया से हो जाएगा क्वाजिया, और उसको जेल जाना पड़ा, तो जेल से जेंसियन याद रखना, है ना।
थोड़ा सा लॉन्ग है ट्रिक, पर जरूर से एक बार लिख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इस स्टोरी को। और यकीन मानिए फिर हमेशा ही आपको ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन याद रहेंगी। ठीक है, इससे भी इजी ट्रिक आपके पास होगा जरूर आप कमेंट करके यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। आपके साथ सभी जो स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से आप लोग क्या करें, इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। क्विक फास्ट हम रिविजन कर लें इस ट्रिक को। तो देखेंगे, एक थी क्वीन से एंथ्राक्विनोन, जो कि क्या कर रही थी, जिसका नाम था सेना, सना से सेना, कार से आपका हो जाएगा कैस्केरा, एलो और रुबाब, है ना। और दिल से हो जाएगा कार्डिया, का दिल से डिजिटलिस बहुत स्ट्रांग था, तो स्ट्रांग से स्ट्रोपेंथस, था से थीवेटिया, किल करना मुश्किल था स्क्विल, है ना। और वहाँ गए थे उन लोग जंगल में, जंगल से वाइल्ड क्या लेने, चेरी, तो वाइल्ड चेरी, बहुत बिटर था तो बिटर एलमंड, इसलिए पता चला क्या हो सकता है, साइनोजेनेटिक हो सकता है, है ना। अब देखिए, सांप का ग्रुप मिला तो सांप से सेपोनिन, है ना। चार के ग्रुप वाले में से दो जो था, दो से डाइस्कोराइड बहुत ही सता रहे थे तो सदावरी, है ना। पांच के ग्रुप वाले में से क्या हुआ, जिन्होंने क्या किया तो जिनसेंग, लकड़ी लिया, लकड़ी से लिक्वेरिस, से सनेगा, सर पर ले लिया, से सरसा पार लिया और उसको खा लिया, तो क्या हो जाएगा, क्वालिया, है ना, इसे याद रख लेना। फिर एक थी उसकी फ्रेंड जिसका नाम था ईसा था, ठीक है, ईसा था से आइसोथायोसाइनेट, है ना, ईसा था आइसोथायोसाइनेट, है ना। और वो बहुत मस्त सिंगिंग करती थी, तो बहुत मस्त ब्लैक मस्टर सिंगिंग से सिनेग्रिन। फिर क्या हुआ, उसका जो फ्रेंड था एक और, जो क्या करता है, अल्कोहल पीता है, तो फ्रेंड और ऑल से फ्लेवेनॉल, है ना, बकबक कर रहा था, बकवीट, जिसको सिली मारी, तो जिसको से जिनको, और सिला मारी से सिली मारी, है ना। उसके बाद क्या कुछ है, तो देखिए पूछती है क्यों मारी, तो क्यों मैरिन हो गया, तो अभी भी शोर कर रहा था तो मारी, तो अभी से ए से एमी, वी से विस्नागा, शोर से सोरे लिया, तो से टोनका, और टोनका मीन एंड मारी से माइला बैरिस। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कैसे याद रखेंगे, ऑलरेडी, ऑलरेडी से एल्डिहाइड, वेनिला खा लिया था, तो वेनिला इसमें आपको ध्यान रहेगा, वेनिला की आइसक्रीम से। फिर आते हैं फादर, फादर से फिनॉल, जो कि बहुत वरी करते हैं, तो बियर बेरी। फिर जो कि क्या था, बहुत शैतान था वो, तो स्टेरॉयडल, शैतान से, 16 साल का था तो सोलेनेसी, सोलेनम, ठीक है, 16 साल से सोलेनम। एंड बिटर गाय के जिम में जाता है, बेटर गाय, है ना, तो जिससे कि बिटर ग्लाइकोसाइड याद रखना, जिम से जिमनेमा याद रखना। पिक लेता है से पिक्रोइजा, चिंटू से चिराता, और सिया से क्वाजिया, और उसको जेल जाना पड़ता है, जिससे कि जेंसियन को याद रख लेना। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरी स्टोरी आपको याद रहेगी और ग्लाइकोसाइड का ट्रिक आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। स्ट्रॉन्ग एक्रिड स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, मस्टर्ड ऑयल मीन्स क्या है, सरसों का जो तेल होता है ना, सरसों का तेल होता है, ब्रैसिका निग्रम जिसको हम कहते हैं, है ना, वहाँ से ऑब्टेन होता है, क्रूसीफेरी इसकी फैमिली होती है ना। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एक्रिडिक स्मेल आता है, जब आप कभी भी देखा होगा सरसों से एक अजीब सा जब ख़राब हो जाता है उस टाइप का स्मेल आता है, तो वो कौन से केमिकल से आता है ना। तो देखिए उसमें यदि बात करें तो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट, पहले तो जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें प्रेजेंट होता है सिनेग्रिन, सिनेग्रिन इसमें प्रेजेंट होता है, बट इनका क्या होता है, जो इंजाइम यहाँ पर इंजाइमेटिक इनकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, इंजाइम कौन सा, जो मायरोसिन इंजाइम की एक्टिविटी होती है, तो ये जो सिनेग्रिन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एलिल आइसोथायोसाइनेट में चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ही अजीब सा एक्रिड स्मेल यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो यदि स्मेल की बात करेंगे, वो भी जो एक्रिड स्मेल है बहुत सड़ गया है वैसा स्मेल आता है, तो वो है आपका एलिल आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। और मेन एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट क्या कुछ होता है मस्टर्ड ऑयल का, तो वो है सिनेग्रिन। ठीक है, सिनेग्रिन से आपको क्या याद रखना है कि एस ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल होते हैं, जो मस्टर्ड ऑयल है वो क्या होंगे, एस ग्लाइकोसाइड होते हैं, मीन्स इनके जो स्ट्रक्चर हैं उनमें क्या होता है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, देख पाएंगे, यही बात करते हैं। सिनेग्रिन है इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट, जो कि मायरोसिन एंजाइम के प्रेजेंट में क्या करता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही बहुत ही एक्रिड स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते जाते हैं, द फॉलोइंग आर कार्डिनोलाइड्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा कार्डिनोलाइड नहीं है। देखिए कार्डिनोलाइड और बुफाडिनोलाइड ये दो चीज़ें होती हैं भाई, क्या चीज़ है ये दोनों ही क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ये ग्लाइकोसाइड से होते हैं। अब इनमें क्या कुछ डिफरेंस है यदि बात करें, तो देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड में ऐसा कुछ तो चीज़ होगा ना जिसके कारण ये कार्डियक एक्टिविटी शो कर रहा है ना। देखिए तो इनमें क्या कुछ होता है, इनमें होता है लैक्टोन रिंग,
ठीक है, लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है जिसके कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियक एक्टिविटी के लिए। यदि इस स्ट्रक्चर में जो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है वहां पर से लैक्टोन रिंग को निकाल दिया जाए तो इनमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं रहेगी, मीन्स कार्डियक एक्टिविटी के लिए लैक्टोन रिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो लैक्टोन रिंग के अकॉर्डिंग टू टाइप्स इनको डिवाइड किया गया है, पहला है आपका कार्डिनोलाइड एंड दूसरा है बुफाडिनोलाइट। ठीक है, बुफाडिनोलाइट, तो ये जो कार्डिनोलाइड होते हैं वो क्या होंगे, ये होते हैं मेनली फाइव, जो लैक्टोन रिंग है फाइव मेंबर्ड रिंग होंगे और यहाँ पर वन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो वन होगा डबल बॉन्ड, है ना, और यहाँ पे बुफाडिनोलाइड की बात करेंगे तो ये होंगे सिक्स मेंबर। ठीक है, सिक्स मेंबर लैक्टोन रिंग होते हैं जहाँ पर क्या होता है टू डबल बाउंड होते हैं। ठीक है, टू डबल बाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यही मेन इनका डिफरेंस है। ठीक है, और कार्डिनोलाइड में क्या कुछ आता है, तो जैसे कि स्ट्रोपेंथस कह लीजिए, डिजिटेलिस, थीवेटिया, ये होंगे आपके कार्डिनोलाइड्स के एग्जाम्पल। और जो बुफाडिनोलाइड होता है केवल एकमात्र डक को याद रखिए, जो कि होता है स्क्विल। स्क्विल से क्या कुछ ऑप्टेन होता है भाई, जंगली प्याज जिसको हम कहते हैं, तो वो है जो आपका सिलेरिडिन है ना, ये सारे सिलेरिडिन, सिलेरोसाइड, ये सारे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसमें, स्क्विल से ऑप्टेन होती हैं, तो हो जाएगा बुफाडिनोलाइड्स ये होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, दोनों ही कार्डिनोलाइड्स एंड बुफाडिनोलाइड याद होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्ट, इट मीन्स इनमें से जो कार्डिनोलाइड्स नहीं होगा उसे आइडेंटिफाई करना है। तो अभी मैंने बताया स्ट्रोपेंथस, तो हाँ स्ट्रोपेंथस से आपको स्ट्रोपेंथिडिन आपको ऑप्टेन होगा, तो ये होगा आपका कार्डिनोलाइड्स। डीजी नेटिजेनिन, हाँ भाई ये भी कार्डिनोलाइड्स है, एंड क्वाबाजेनिन। ठीक है, क्वाबाजेनिन क्या होता है, ये भी आपका कार्डिनोलाइड्स होगा। एकमात्र जो स्पील है जहाँ पर से सिलेरिडिन ऑप्टेन होगा ये क्या हो जाएगा, बुफाडिनोलाइड हो जाएंगे। तो यहीं पर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर देखिए आपका कार्डिनोलाइड एंड बुफाडिनोलाइड दिया गया है और इनके एग्जांपल देखिए, स्टेरॉयडल रिंग यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये क्या है, स्टेरॉयडल रिंग है और फाइव मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर वन बॉन्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्डिनोलाइड। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिंग और ये है स्टेरॉयडल मॉइटी। ठीक है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रिन रिंग जिसको हम कहते हैं, है ना। और देखिए अब बात करें बुफाडिनोलाइड, तो बुफाडिनोलाइड में क्या होता है, ये आपका वही है स्टेरॉयडल रिंग, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, सिक्स मेंबर रिंग हो चुका है और डबल बाउंड इसमें है। ठीक है, दो डबल बाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये होगा बुफाडिनोलाइड जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सिलारिन और सिलारिडिन होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सो स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंस इन एल्कली। ठीक है, इनमें से कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एल्कली मीन्स बेस के साथ, ठीक है, बेस के साथ स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंस ये सो करता है। ऑप्शंस में पहले देख लेते हैं, एंथ्रॉन दिया गया है, ऑक्सेंथ्रॉन दिया गया है, एंथ्रानॉल दिया गया है और एंथ्राक्विनोन दिया गया है। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है कहाँ कुछ से है, तो आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के से दिया गया है। तो ये सभी क्या होते हैं, जैसे कि एंथ्राक्विनोन की बात करें तो ये होता है आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है एंथ्राक्विनोन। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये कम पोटेंट होते हैं एज़ कम्पेयर, जब इनका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, तो यदि बात करें बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, पर जो जब इनका रिडक्शन होता है तो रिड्यूस्ड फॉर्म जो होंगे वो ज़्यादा पोटेंट होते हैं। क्या होते हैं, पोटेंट होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रिड्यूस्ड फॉर्म कौन कौन से हैं, तो एंथ्रॉन हो गया, एंथ्रानॉल हो गया, ऑक्सेंथ्रॉन, ये सभी रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं और मोर एक्टिव ये होते हैं एज कम्पेयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब ये दोनों जो एंथ्रॉन और एंथ्रानॉल है, ठीक है, दोनों ही क्या हैं आपके, ये दोनों ही पोटेंट है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। यदि बात करें एल्कलाई जो सब्सटेंस है उनको ऐड करें, है ना, तो देखिए ऑल और आपको क्या रखना है, ऑल एल्कोहल, एल्कोहल के लिए यूज़ होता है ना, एल्कोहल से और आपको एल्कली याद रख लेना है। ठीक है, एल्कोहल से एल्कोली याद रख लेना है। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, ये जो ऑल लिखा है ना, सफिक्स से एल्कोहल याद रखना, तो इनको जब हम लोग क्या करेंगे, एल्किली में जब हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, ये क्या होंगे, एल्किलाई मीडियम में ये सॉल्यूबल हो जाएंगे और साथ ही साथ फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करते हैं। बट जो एंथ्रॉन है, ठीक है, एंथ्रॉन ना सॉल्यूबल नहीं होंगे एल्किली में और कोई भी फिर फ्लोरोसेंस शो नहीं करते। तो ऑल से आपको एल्कोहल याद रखना, एल्कोहल से बेस हो गया और बेस मीन्स हो गया एल्किली, मीन्स एल्किली में सॉल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो एंथ्रानॉल है वो होंगे सॉल्यूबल और साथ ही साथ ये फ्लोरोसेंस भी शो करेंगे, एंथ्रेनॉल है जो। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर रखिएगा, दोनों में डिफरेंस दिया गया, देखिए सॉल्यूबल है, साथ ही साथ जो एंथ्रेनॉल है वो क्या होते हैं, ब्राउन येलो कलर के होते हैं और जो एंथ्रॉन है वो पैल येलो कलर के होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं, दिया गया है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस यील्ड। ठीक है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए ये किसका केमिकल कॉन्स्टेंट है, तो ये है डिजिटेलिस का। ठीक है, डिजिटेलिस परप्यूरिया को जब हम क्या करेंगे, जब इनका क्या करते हैं, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट मीन्स ये प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, एंजाइमेटिक इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, ये दो चीज़ें ये बनाती हैं। अब इनका फिर से ये क्या है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, तो इनको क्या करेंगे, हम लोग को सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड चाहिए रहता है, क्योंकि उसी में क्या होता है, थेरेपेटिक एक्टिविटी होगा, है ना। तो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड को ऑब्टेन करने के लिए फिर से इनका एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हम कराते हैं। तो जब हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है वो क्या बनाएगा, डिजिटॉक्सिन बनाता है और एक ग्लूकोसपार्ट बनाएगा। ये हुआ आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना। देखिए क्या कुछ बनाएगा, ये आपका प्राइमरी ग्लाइकोसाइड हुआ, है ना, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, फिर एंजाइम का हाइड्रोलाइसिस हुआ, फिर क्या बनाएगा, डीजी टॉक्सिन। याद रखिए क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इट मींस इनका और अभी हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा, तब जाकर ये क्या बनाते हैं, एक और जेनिन पार्ट बनाएंगे और एक ग्लाइकॉन पार्ट फिर ये बनाते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका ग्लाइकॉन मीन्स शुगर पार्ट और एक जेनिन मीन्स नॉन शुगर पार्ट ये बनाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका शुगर पार्ट, है ना, ये हो गया आपका सेकेंडरी। उसके बाद ये फिर से बनाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, जेनिन पार्ट और फिर से एक ग्लूकोज पार्ट ये बनाएंगे। इट मीन्स जब हम परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए को हाइड्रोलाइज कराएंगे, ये प्राइमरी ग्लाइकोसाइड है, तो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड क्या बनाएगा, डिजिटॉक्सिन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ डिजिटॉक्सिन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि आता है ना, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ दिया गया है। तो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए को जब हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये क्या बनाता है, डिजिटॉक्सिन। फिर से उनका फिर ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना। तो क्या कुछ बनाया, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और ग्लूकोज। फिर से इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो क्या बनाता है ये आपका, जिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। ठीक है, डिजिटॉक्सिन ये बनाएंगे और 3-डिजिटॉक्सोज शुगर ये बनाते हैं। वहीं पर यदि हम बात कर लें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी का, जब हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये क्या बनाता है, जिटॉक्सिन बनाएगा। उसके बाद इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है, तो जिटॉक्सीजेनिन ये बनाते हैं और 3-डिजिटॉक्सोज ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिजिटॉक्सिन और यहाँ पर जिटॉक्सिन, बस यही डिफरेंस है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी में। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है द डिफरेंस इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटॉक्सीजेनिन फ्रॉम दैट ऑफ जिटॉक्सीजेनिन इज। ठीक है, तो डिजिटॉक्सीजेनिन और आपके जिटॉक्सीजेनिन में क्या कुछ डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में, इनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या कुछ होता है, यदि हम केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें, तो डिजिटॉक्सीजेनिन, जिटॉक्सीजेनिन, डिगॉक्सीजेनिन, है ना, डिजिनेटीजेनिन और जिटालॉक्सीजेनिन, ये पाँच चीज़ों को याद रखिएगा। और चलिए हम लोग देखते जाते हैं, पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, फिर आप आसानी से इनके सभी डिफरेंस को याद रख पाएंगे, है ना। पहले क्या बात किया था हमने, डिजिटॉक्सीजेनिन, यहाँ पे पहले आपको जो ये स्ट्रक्चर है पहले आपको ध्यान में रखना है ना, जो अभी हमने देखा था, अभी हमने कार्डिनोलाइट का जो स्ट्रक्चर देखा था उसे एक बार ध्यान में रखना है। इसके बाद ये आप देख पा रहे हैं, इसी में हमको ऐड ऑन करना होगा। तो जैसे डिजिटॉक्सीजेनिन की बात करेंगे, तो क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 14th नंबर है, तो 14 में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये है 14th नंबर में इसका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका डिजिटॉक्सीजेनिन। अब वहीं पर बात करें जिटॉक्सीजेनिन, तो जिटॉक्सीजेनिन में क्या कुछ होता है, तो यहाँ पर आप नंबरिंग देख पाएंगे 14, तो यहाँ पर OH ग्रुप है, उसके बाद ये हो जाएगा 15 और ये 16, तो 16 में फिर क्या होता है, OH ग्रुप। इट मीन्स जिटॉक्सीजेनिन में क्या होगा, 14th एंड 16th नंबर में OH ग्रुप जुड़ा रहता है। बट वही बात करें डिजिटॉक्सीजेनिन में ओनली 14th पोजीशन में क्या होगा, OH ग्रुप होता है। चलिए एक लिस्ट देख लेते हैं, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेंगे। फर्स्ट होता है आपका डिजिटॉक्सीजेनिन, है ना, डिजिटॉक्सीजेनिन में क्या कुछ होगा, डी फॉर, अब आपको 14th पोजीशन में OH ग्रुप। उसके बाद सेकंड क्या है आपका, जिटॉक्सीजेनिन, है ना, यही क्वेश्चन में पूछा गया ना, जिटॉक्सीजेनिन, जिटॉक्सीजेनिन में क्या कुछ होता है, तो यहाँ पर 14th एंड 16th पोजीशन में इनका होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डिजिटॉक्सीजेनिन और जिटॉक्सीजेनिन, अब होगा डिगॉक्सीजेनिन। ठीक है, डिगॉक्सीजेनिन में क्या कुछ होता है, तो यहाँ पर 12 और 14th नंबर में, ठीक है, 12 और 14th नंबर में OH ग्रुप जुड़ा रहेगा,
लिखते जाइएगा। अब बात करेंगे, ये हो गया आपका डिगॉक्सीजेनिन, डिजिटॉक्सीजेनिन, जीटॉक्सीजेनिन एंड डिजिटॉक्सीजेनिन। अब आते हैं डिजिनेटीजेनिन। डिजिनेटीजेनिन में क्या कुछ होगा? अब ये तीनों चीज तीनों पोजीशन में प्रेजेंट होंगी डिजिनेटीजेनिन में, है ना। इट मीन्स 12, 14 और 16 तीनों पोजीशन में इनके OH ग्रुप है वो अटैच्ड रहते हैं। ओके, देन क्या है आपका लास्ट जो बचा हुआ है वो रहेगा जीटल ऑक्सीजेनिन, जहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होती है 14th में OH तो रहता ही है, बट 16th पोजीशन में क्या हो जाता है COOH यहाँ पर होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि डिजिटॉक्सीजेनिन कैसे याद रखना, डॉल डबल डॉक करके याद रख लेना ट्रिक बनाकर। डिजिटॉक्सीजेनिन मीन्स 14th ओनली, ठीक है। फिर जीटॉक्सीजेनिन क्या होगा, 14th और 16th में पोजीशन में होंगे। वहीं पर डिगॉक्सीजेनिन की बात करेंगे तो 12th और 14th पोजीशन में होंगे, है ना। और डिजिनेटीजेनिन की बात करेंगे तो 12, 14 और 16th पोजीशन में होंगे। एंड जीटालॉक्सीजेनिन में क्या होता है, 14th में OH एंड 16th में COOH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये आपका साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथिंग रिंग का हो गया और ये आपका लैक्टोन रिंग। तो इनका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से रहता है, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसी पोजीशन में चेंजेस करके जो लिस्ट दिया है उसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है, चूज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटेलिस लीफ। डिजिटेलिस लीफ का क्या कुछ यहाँ पर कैरेक्टर दिया गया है, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स जो भी है उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या कुछ माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया यहाँ पर, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ दिया गया है विथ एनमोसाइटिक स्टोमाटा, कोलिनकाइमास प्रेजेंट एट अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एंड पेरीसाइक्लिक पार्ट, इट हैज स्क्लेरेनकाइमा एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, कोलैप्स सेल कवरिंग ट्राइकोम दिया गया है। तो देखिए जो डिजिटेलिस होता है ना, उसमें क्या होता है, यदि हम बात करें इनके लीफ की, तो लीफ में डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है। डॉर्सी वेंट्रल इट मीन्स इनका जो इस प्रकार से जैसे कि बनाते हैं, तो ये जो पैलीसेड सेल होता है ना एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, पैलीसेड सेल होते हैं, ठीक है। पैलीसेड सेल क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ में मेनली प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस का ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये पैलीसेड सेल जब कभी सिर्फ ऊपर हो तब उसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, ठीक है। और दोनों साइड जब प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका जैसे आपने देखा होगा जब कभी दोनों साइड होंगे तब उसको आइसोबायलेटरल कहते हैं, ठीक है। दोनों साइड होंगे उसको आइसोबायलेटरल कहेंगे, बट जब एक ही साइड होता है उसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ हम कहते हैं, यदि ओनली अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट हो तो। तो फर्स्ट जो आपका है ये जो सेंटेंस है वो क्या है, सही हो गया। एनमोसाइटिक स्टोमाटा होता है, जी हाँ एनमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है डिजिटेलिस में। फिर बात करेंगे कोलिनकाइमा प्रेजेंट अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एंड पेरीसाइक्लिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो रीजन है वैस्कुलर बंडल है, है ना। अब देखिए अपर और लोअर साइड दोनों साइड क्या होते हैं, कोलेनकाइमेटस टिश्यू इनके प्रेजेंट होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू इट मीन्स क्या हो गया, ये परमानेंट टिश्यू है जहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होंगी, बहुत ही डेंस होते हैं ये, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती। ओके, तो ये क्या प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सरफेस में प्रेजेंट होते हैं अपर और लोअर, ठीक है। जो पेरीसाइक्लिक पार्ट है उनके अपर और डाउन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। देन दिया गया इट हैज़ स्क्लेरेनकाइमा एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। तो बात करें यदि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की, तो डिजिटेलिस में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स नहीं प्रेजेंट होते और स्क्लेरेनकाइमा तो नहीं ही होते, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कोलेनकाइमा टिश्यू है ना, जो कि क्या है लाइव होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू लिविंग होते हैं बट स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, लीफ में प्रेजेंट नहीं होंगे, मेनली इनके लीफ में जो डिजिटेलिस है उनकी। साथ ही साथ फिर क्या होता है, कोलैप्स सेल कवरिंग ट्राइकोम इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिजिटेलिस में क्या होगा, कोलैप्स सेल कवरिंग ट्राइकोम होते हैं। कवरिंग मीन्स नॉन ग्रैंड्यूलर हुआ डिजिटेलिस में, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिएगा क्या कुछ यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या कुछ सही है। तो पी तो हमारा राइट हो गया, क्यू भी हमारा राइट हो गया, है ना, एस भी हमारा राइट है, ओनली रॉन्ग क्या है आपका आर, है ना। तो कहीं पर आर फॉल्स दिया गया है, तो जी हाँ फर्स्ट आंसर में आप देख सकते हैं आर फॉल्स है, फिर पी क्यू और एस ट्रू है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार जरूर से हम माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, है ना, डायग्राम को, इट मीन्स तो डायग्राम देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ ये आएगा इनका माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की पहली साइड, यहाँ पे आप सेल देख पाएंगे, है ना, ये होते हैं पहली साइड सेल,
ये ऑनली अपर है तब उसको डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं, है ना। एनमोसाइटिक इनमें स्टोमाटा होता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये क्या है, कवरिंग ट्राइकम, जहाँ पर मतलब कि ग्लैंडुलर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कोलैप्स सेल कवरिंग ट्राइकोम इनमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। कवरिंग ट्राइकोम भी प्रेजेंट है। और क्या कुछ है, तो यहाँ पे देखिए आप कोलेनकाइमा, ये आपका यहाँ से लेकर ये हुआ कोलेनकाइमा, साथ ही साथ यहाँ पर कोलेनकाइमेटस सेल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है और स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता, है ना। तो आपका अब आपको थोड़ा सा ध्यान हो गया होगा कि कैसे आंसर इसका सही हुआ, जो कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल वो प्रेजेंट नहीं होता। स्टार्च ग्रेन्स आप देख सकते हैं, स्टार्च ग्रेन इसमें प्रेजेंट होती हैं बट कहीं पर भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं, किलर किलानी टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। किलर किलानी टेस्ट किन के लिए किया जाता है, तो ये मेनली क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब क्या हो गया, डिजिटलिस। अब इनके डिजिटलिस में क्या कुछ होता है, डिगॉक्सिन, है ना, डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है ना। तो ये मेनली जो ओज, ओज मीन्स क्या हो गया आपका ग्लूकोज पार्ट, है ना, ओज मीन्स क्या हो गया ग्लाइकोन पार्ट। तो ये जो ग्लाइकोन पार्ट होता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है किलर किलानी टेस्ट, जो कि क्या है, डिजिटॉक्सोज, डिजिटॉक्सोज सुगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए किलर किलानी टेस्ट परफॉर्म करती हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी लिस्ट चलिए हम लोग याद रख लेते हैं कि कैसे आपको याद रखना होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के ट्रिक को यहाँ पर देखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, एक जो था क्या बालक, ठीक है, जो कि क्या था, जैसे इसमें साथ ही साथ किड टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया, किड टेस्ट किया जाता है। तो जो बालक था जिसको हम किड कहते हैं, एटलीस्ट आपको पूरे नाम याद रहने चाहिए, है ना, केमिकल रिएक्शन उतना नहीं पूछेगा पर नाम तो जरूर से आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या टेस्ट होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के, है ना। तो किड टेस्ट, किड टेस्ट से आपको कैसे याद रखना है, किड होता है एक, है ना, किड टेस्ट, और किड को हम क्या कहते हैं, बालक कहते हैं, बालक से बालजर टेस्ट, जिसने क्या किया, जिसके पास था वो लेबल था, लेबल क्या था, रेमंड का, ठीक है, जो कि बहुत ही क्या कर रहा था, किलर नज़र आ रहा था, किलर मीन्स बहुत ही अच्छा दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, किलर कहते हैं, है ना। तो कैसे याद रखना है, बहुत ही किलर था, किलर से किलर किलानी, रेमंड का, उसके पास क्या था, लेबल, या एक लेबल लिया हुआ था वो, ठीक है, जहाँ पर क्या लगा हो, वॉच लिया है कह लीजिए या कुछ भी, जहाँ पर लेबल लगा हो किसका, रेमंड का, ठीक है, रेमंड कंपनी आप जानते हैं, तो लेबल से हो जाएगा लीगल टेस्ट। बट उसके पास ये लेने के लिए क्या कुछ नहीं था, मनी नहीं था, तो एंटी मनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। तो ये टेस्ट आपको ध्यान में रखना है, बालजर टेस्ट, केट टेस्ट, एंटी मनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट और रेमन टेस्ट, ये सभी टेस्ट किसके लिए किए जाते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाते हैं। ओके, क्लियर है क्या, कैसे ट्रिक याद रखा था, एक किड होता है, किड से आपको केट टेस्ट याद रखना है जिसको हम बालक भी कहते हैं, है ना, बालक से बालजर टेस्ट। अब देखिए फिर क्या हुआ था, उसको लेना था क्या, रेमंड का एक लेबल लेना था, रेमंड से रेमंड टेस्ट हो गया, लेबल से लीगल टेस्ट, जो कि दिखने में क्या था, किलर था, मींस किलर की लानी टेस्ट, और उसको लेने के लिए मनी नहीं थी, तो एंटी मनी ट्राइक्लोराइड। ओके, तो एटलीस्ट आपको नाम पहले याद रख लीजिए, नाम जितने भी आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट हैं, क्योंकि जनरली नाम आपको पूछा जाएगा कि क्या कुछ टेस्ट है, जैसे कि बालजर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, लीगल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, है ना, तो इससे आपको ध्यान हो जाएगा कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है, है ना। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, वर्बेस्कम थेपस शोज द प्रेजेंस ऑफ डेस्ट्राइकोम, ठीक है। तो ये जो वर्बेस्कम थेपस है वो क्या है, डिजिटलिस का एक एडल्ट्रेंट ये होते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ करते हैं, और इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें होता है कैंडेलेब्रा ट्राइकोम। ओके, कैंडेलेब्रा ट्राइकोम इनमें प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का ट्राइकोम है जो कि कवरिंग ट्राइकोम के अंदर आते हैं। कवरिंग ट्राइकोम मतलब नॉन ग्रैंडुलर ट्राइकोम हम कह सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या हो गया आपका, जो आप यहाँ पे देखेंगे वर्बेस्कम थेपस, ये होता है आपका कवरिंग ट्राइकोम, कैंडेलेब्रा ट्राइकोम, ठीक है। और ये पूरे ट्राइकोम के ट्रिक दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन आपने जब इंट्रोडक्शन था वहाँ पर भी आपने ट्रिक के थ्रू इसको देखा था, है ना, एक बार जरूर से रिकॉल भी यहाँ पर आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटलिस थेपसी इज यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफ डिजिटलिस। देखिए अभी जस्ट हमने देखा था
डिजिटलिस के एडल्ट रेंज के लिए, है ना, डिजिटलिस का वर्बेस्कम थेपस हमने देखा था, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ पूछा गया है, डिजिटलिस थेप्सी, इनसे आया क्वेश्चन कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इनको क्या करते हैं, जैसे कि हमने अभी डिजिटलिस का माइक्रोस्कोपी देखा था, याद करिए माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको क्या बताया था, इनमें इनमें स्क्लेरेनकाइमा और कैल्शियम ऑक्सेलेट क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं होता, बट जो डिजिटलिस थेप्सी है इनमें कैल्शियम ऑक्सेलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं जो आपका डिजिटलिस परप्यूरिया है और डिजिटलिस थेप्सी है। ओके, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सेलेट क्रिस्टल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, जरूर से इस जो आपका टेबल दिया है इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये पूरा एडल्ट ट्रेंड है इनका, ठीक है। वर्बेस्कम थेपस के बारे में हमने अभी जस्ट देखा था कि इनमें कैंडेलेब्रा ट्राइकोम होता है। प्रिमरोज लीव्स के बारे में भी जान लीजिए, ये क्या होते हैं, लॉन्ग मल्टी सेल्यूलर कवरिंग ट्राइकोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये जो मेनली 3-4 इनका एडल्ट रेंट है वो पूछा जाता है, 3 एटलीस्ट याद रखिए, जो कि क्या कुछ है, वर्बेस्कम थेपस जिसको म्यूलिन लीव भी कहते हैं, और ये कैंडेलेब्रा ट्राइकोम इनमें होता है। फिर है प्रिम्यूला वल्गैरिस, ठीक है, जिसको प्रिमरोज लीव कहते हैं, और इसमें लॉन्ग मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है सिम्पैथम ऑफिसनैलिस जिसको कॉम्फेरी लीव कहते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी प्रेजेंट होता है मल्टीसेलुलर ट्राइकोम फ्रॉम हुक एट द टॉप, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और अभी आपको पूछा गया था डिजिटलिस थेप्सी जो कि स्पेनिश फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं इसको, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्सेलेट क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़े, चलिए, वुड्स ऑफ एकोकैंथेरा चिम्पैरी बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी इस सोर्स ऑफ, अब एकोकैंथेरा चिम्पैरी जिसका फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी है, तो इनमें ये जो इनका केमिकल कॉन्सटेंट या वुड में कौन सा ये केमिकल कॉन्सटेंट होता है आइडेंटिफाई हमें करना है, बायोलॉजिकल सोर्स दिया गया है और इनको क्या कहते हैं कह लीजिए, है ना, इनको और क्या कहा जाता है केमिकल कॉन्सटेंट इनको आइडेंटिफाई करना है, तो सिल्लारेनिन दिया गया है, जी स्टोपैंथीन दिया गया है, कैनोजेनिन दिया गया है, और डायोजेनिन यहाँ पर दिया गया है, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, जी स्टोपैंथीन, ठीक है, जी स्टोपैंथीन क्या होता है आपका, एकोकैंथेरा चिम्पैरी से ऑप्टेन होगा, और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, ठीक है। ये भी क्या होते हैं आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के ही एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है, देखेंगे स्टोपैंथस ग्रेटस सीड है और एकोकैंथेरा चिम्पैरी, है ना, जहाँ पर क्वाबेन प्रेजेंट होता है। जी स्टोपैंथीन को क्या कहते हैं हम लोग, क्वाबेन ही कहा जाता है, और ये स्टोपैंथस ग्रेटस में 4-8% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ग्लिसराइजिन अ स्वीट प्रिंसिपल ऑफ लिक्वेरिस इज, ग्लिसराइजिन जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्वेरिस कहते हैं, है ना, ग्लिसराइजा ग्लेब्रा से ऑप्टेन होता है ये, और इसको हम क्या कहते हैं, मुलेठी भी कहते हैं यदि हिंदी की बात करें। तो इनमें क्या ऐसा प्रेजेंट है जिसके कारण ये क्या है, स्वीट प्रिंसिपल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होते हैं, साल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओके, पोटेशियम एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लिसराइजिनिक एसिड ये होते हैं, ठीक है। पोटेशियम कैल्शियम आपको याद रखना है, जो मुलेठी है जिसको आप लोग यूज़ करते हैं एक्सपेक्टोरेंट की तरह, जब कभी भी खांसी वगैरह होती है, कोल्ड होती है, तो आप मुलेठी को यूज भी करते होंगे एक्सपेक्टोरेंट की तरह, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके जो म्यूकस उनको एक्सपेल आउट करेगा, आपकी कफिंग को कम करेगा, है ना। तो ये जो आपका ग्लिसराइजा है जिसे हम स्वीट लिक्वरिस या क्या कहते हैं मुलेठी कहेंगे, इनमें प्रेजेंट होता है पोटेशियम एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लिसराइजिनिक एसिड। और क्या कुछ है आगे हम लोग देखते जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इनसे और क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नेक्स्ट है, एट द सेंटर देयर आर 4 स्मॉल प्राइमरी जाइलम बंडल अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर विथ द प्रोटोजाइलम ग्रुप डायरेक्टेड आउटवर्ड्स आर द हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट ऑफ। देखिए इतना घुमा फिरा कर पूछा गया है इस क्वेश्चन को, बस आपको कुछ पॉइंट इसमें ध्यान देना था। अभी जस्ट हमने जो ड्रग स्टडी किया, ठीक है, लिक्वेरिस, है ना, लिक्वेरिस में क्या कुछ होता है, 2 पार्ट हम यूज़ करते हैं, एक होता है इसका रूट पार्ट और साथ ही साथ स्टोलन पार्ट भी हम लोग यूज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है, दोनों पार्ट को हम यूज़ करते हैं। और इनकी माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जहाँ पर दिया गया है आपका स्मॉल प्राइमरी जाइलम बंडल अरेंज एट राइट एंगल ईच अदर विद द प्रोटोजाइलम ग्रुप डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, मैं आपको, चलिए हम लोग माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे
इनका जो जाइलम है, ठीक है, जो जाइलम है वो क्या होता है, बंडल्स में प्रेजेंट है, कैसे, राइट एंगल में, जो कि है ग्रुप्स में, ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ भी है फोर स्मॉल प्राइमरी जाइलम, ठीक है, फोर स्मॉल प्राइमरी जाइलम बंडल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं राइट एंगल में, है ना, इच अदर एक दूसरे के राइट एंगल में होंगे, और क्या होते हैं यहाँ पर प्रोटोजाइलम ग्रुप डायरेक्टेड आउटवर्ड, आउटवर्ड ये डायरेक्टेड होते हैं, है ना, और दीज फोर बंडल आर सेपरेटेड बाय एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ पेरेन्काइमा, जो पेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत प्रेजेंट होती हैं, और ये पेरेन्काइमा के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, दीज फोर बंडल आर सेपरेटेड, ये सभी चार जो जाइलम दिए गए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेटेड होते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, इनका कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर हो गया, सेपरेटेड होंगे चारों जो बंडल्स दिए गए हैं, जाइलम के ग्रुप हैं वो सेपरेटेड होंगे, क्योंकि जो इनका पेरेन्काइमा है वो बहुत ज़्यादा लार्ज या कह सकते हैं एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण ये क्या हो गया, इनका एक स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं इनको, जहाँ पर जाइलम फोर फोर के ग्रुप में पूरा क्या रहते हैं, डिवाइड रहते हैं कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव स्वीट टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1,6 एन हाइड्रोसॉर्बिटॉल, ठीक है, 1,6 एन हाइड्रोसॉर्बिटॉल जो है ना, ये एक स्वीट प्रिंसिपल है, किससे ऑप्टेन होता है ना, स्वीट प्रिंसिपल है, बहुत ही अच्छा इनका क्या होता है, टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट, तो ये होता है आपका सेनेगा में, और याद रखिए यहाँ पर स्वीट पहले टेस्ट की बात हुई है, साथ ही साथ सेनेगा में स्वीट ऑर्डर भी होता है, तो जो खुशबू है वो दूसरे केमिकल के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो टेस्ट है वो आपके 1,6 एन हाइड्रोसॉर्बिटॉल के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका स्पेसिफिक यहाँ पर कोई यूज़ होता है ना, उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 1,6 एन हाइड्रोसॉर्बिटॉल की बात कर लेते हैं, है ना, ये क्या आपका स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेनेगा में, पर वही बात कर लेते हैं हम लोग क्या कि क्या कुछ है जिसके कारण ये इसका ऑर्डर भी बहुत अच्छा आता है, तो मैथिल सैलिसिलेट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों केमिकल को याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो मैथिल सैलिसिलेट आपके ऑर्डर के लिए होंगे, मेनली खुशबू के लिए, और टेस्ट के लिए 1,6 एन हाइड्रोसॉर्बिटॉल, और सेनेगा को हम क्या कुछ कहते हैं, तो सेनेगा आपका जैसे कि मिल्क थिसल है ना, रेटल स्नेक रूट इसको हम कहते हैं, पॉलीगेला सेनेगा से ऑप्टेन होता है, पॉलीगेले से इसकी फैमिली होती है, यहाँ पे इमेज दिया गया है, इससे आप लोग इसको देख पाएंगे, है ना, ये क्या है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। आगे चलिए, इन इंडिया सेन्ना इज मेनली कल्टिवेटेड इन, इंडिया में सेन्ना कहाँ पर ज़्यादातर कल्टिवेशन किया जाता है, इनके सिनोनेम आपको ध्यान होगा, तो सिनोनेम क्या कुछ है इनका, टिनीवली सेन्ना इसको कहते हैं, अलेक्जेंड्रियन सेन्ना और टिनीवली सेन्ना, तो टिनीवली सेन्ना को हम इंडियन सेन्ना कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है तमिलनाडु के जो टिनीवली एरिया है ना, साउथ में तमिलनाडु के जो टिनीवली एरिया है वहाँ पर इनका कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा कराया जाता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, टिनीवली सेन्ना कहते हैं, और ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इनका कल्टिवेशन कराते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनका सिनोनेम भी क्या पड़ा था, टिनीवली सेन्ना पड़ा है तमिलनाडु में, कि मदुराई एरिया में मेनली इनका क्या किया जाता है, कल्टिवेशन कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फ्रिक्वेंटली इन ड्राइड लीव्स मैनी ऑफ द ट्राइकोम्स हैव फॉलन और बीन रब्ड ऑफ लीविंग अ स्कार और सिसाट्रिक्स, दिस इज वेल सीन इन, देखिए कहने का क्या मतलब है, बहुत सी लीव में क्या कुछ है ट्राइकोम्स हैं वो क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं या फिर गिर जाती हैं या फिर रब, मतलब कि रब कर दी जाती हैं, है ना, रब हो गया है या फिर गिर गई हैं, तो जैसे कि एक स्कार बन जाता है, जैसे कि आपको चोट लगी है, देखिए यहाँ पे जैसे कि चोट लगी है तो एक मार्क बन गया है ना, है ना एक मार्क बन चुका है यहाँ पर, उसका निशान रह गया है कह लीजिए, तो वैसे ही वहाँ पर क्या होता है कुछ लीफ में, जैसे कि ट्राइकोम्स है, अब वो ट्राइकोम गिर गया या निकल गया तो वहाँ पर उनका एक निशान हो जाता है, तो एक क्या कह सकते हैं स्पेशल टाइप का ये एक स्कार वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, तो जिसके एग्जांपल्स कह सकते हैं किसमें कुछ होता है, तो सेन्ना और स्ट्रामोनियम, ठीक है, सेन्ना और स्ट्रामोनियम में क्या कुछ होता है, ये सिसाट्रिक्स, सिसाट्रिक्स मीन्स हो गया स्कार, ठीक है, जो स्कार है उसी को सिसाट्रिक्स कहते हैं, है ना, जो कभी भी कुछ वुंड बना हुआ है ना, जैसे आपके में कुछ वुंड बना रहता है उसका एक निशान रह जाता है, तो वैसे ही इनके लीफ में होता है, जब कभी भी ट्राइकोम्स हैं वो निकल जाएंगे, है ना, या फिर गिर जाएंगे तो एक निशान बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं सिसाट्रिक्स कहते हैं, ओके, जो कि सेन्ना और स्ट्रामोनियम में जनरली देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, क्लंक्स टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ,
क्लंग से टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ठीक है, बारबालोइन दिया गया, आइसोबारबालोइन, एलोइनोसाइड्स और एलोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लंग टेस्ट आइसोबारबालोइन के लिए किया जाता है। क्लंग टेस्ट किसके लिए है, ये मेनली एलोवेरा, और एलोवेरा में ये सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं, बट जो आइसोबारबालोइन होता है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लंग टेस्ट किया जाता है। ओके, चलिए हम लोग एक बार इनके पूरे टेस्ट में क्या कुछ होता है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, साथ ही साथ क्लंग्स आइसोबारबालोइन टेस्ट भी कहा जाता है, है ना। इक्वल सॉल्यूशन लेंगे एलो का, जहां पर क्या करेंगे, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट हम ऐड करते हैं, ठीक है, CuSO4 जिसको हम कहेंगे, है ना, सोडियम क्लोराइड हम यहां पर ऐड करते हैं। अब 90% इथेनॉल भी यहां पर ऐड किया जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या कुछ यहां पर आप देख पाएंगे, दिया गया ऑब्जर्वेशन पूरे अलग अलग जितने भी आपके एलोवेरा है, इसको साथ ही साथ क्यूप्रोलॉइन टेस्ट कहते हैं। क्या टेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्यूप्रोलॉइन टेस्ट किसको कहते हैं, इसी को ही क्लंग आइसोबारबालोइन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, आइसोबारबालोइन को करते हैं। और केमिकल क्या कुछ है, तो कॉपर सल्फेट, इसीलिए क्यूप्रोलॉइन टेस्ट कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर यूज में आता है। आगे बढ़ेंगे, विच वैरायटी ऑफ एलो इज कॉल्ड एज मंकी स्किन एलो, ठीक है, मंकी स्किन एलो किसको कहते हैं, स्पेशल नाम है भाई, तो हो सकता है पूछा जाए। तो क्यूरा का एलो दिया है, कैप दिया गया है, सोकोट्राइन दिया गया है, और जिंजीबर एलो दिया गया है। तो क्या कुछ है आंसर, तो मंकी स्किन जो होते हैं वो होता है जिंजीबर एलो में, ठीक है। ये जिंजीबर एलो एक टाइप से सोकोट्राइन का ही क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव कह सकते हैं ना। अभी तक इनका जो स्पेस है वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया है ना, अकॉर्डिंग टू बुक यदि हम बोले तो अभी तक इनका कोई भी स्पेसिफिक एरिया नहीं दिया गया, जैसे कि सोकोट्राइन है, कैप है, क्यूराकॉव है, ठीक है। तो जो जिंजीबर एलो होता है उनको क्या किया जाता है, इनको जब प्रिपेयर करेंगे तो जो कह सकते हैं, जो ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, मांस भक्षी कह सकते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, मांस खाते हैं, है ना, ये कह सकते हैं। तो उनमें मेनली क्या किया जाता है, उनकी स्किन को यूज़ किया जाता है यहाँ पर, वहाँ पर इनको रखा जाता है, जिंजीबर एलो को, है ना। और वुडेन में साथ ही साथ फिर वुडेन यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कलेक्ट किया जाता है इनको कंटेनर में, ठीक है, वुडेन कंटेनर में इनको कलेक्ट करके रखा जाता है ना। बट इनका स्किन ऐसा नहीं कि मंकी जैसा हो, पर इनको मंकी स्किन हम कहते हैं, ठीक है। मंकी स्किन किसको कहेंगे, जिंजीबर एलो को। आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो जूस होता है निकालेंगे पहले, है ना, जो एलोवेरा का जिंजीबर एलो है उनसे हम जूस ऑब्टेन करते हैं, उस जूस को क्या किया जाता है, वही स्किन में रखा जाता है, जो अभी मैंने बताया, कैसे एनिमल जैसे लायन ही ले लीजिए, वो सारे क्या है, जो कि खुद ही नॉन वेजिटेरियन लीजिए, है ना, नॉन वेजिटेरियन टाइप के जो एनिमल होते हैं वो, है ना, तो उनके स्किन में रखेंगे, फिर जो कंटेनर है उसको पैक करके रखेंगे। कैसे कंटेनर यूज करते हैं, वुडन, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए। उसके बाद क्या होता है, इनका जो स्किन रहता है, ठीक है, मंकी स्किन कहते हैं, हालांकि इनमें देख पाएंगे किसी भी प्रकार का मंकी टाइप का इनका जो फीचर है वो नहीं रहता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन 1 ग्राम ऑफ एलो पाउडर इज बॉइल विथ 1 ml ऑफ वाटर एंड फिल्टर्ड विथ हेल्प ऑफ किसल गुहर, द फिल्ट्रेट इज यूज फॉर बोरेक्स टेस्ट सोको इंटेंटेंस रिएक्शन विच गिव्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, 1 ग्राम जब हम एलो पाउडर लेंगे, ठीक है, एलोवेरा का हमको पाउडर लेना है, पूरा यहाँ पर केमिकल टेस्ट ही दिया गया है, जिसको बॉयल करेंगे 1 ml वाटर के साथ, फिर क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे किसल गुहर के यूज से, तब फिर फिल्ट्रेट को हम बोरेक्स के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोको इंटेंटिन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, सोको इंटेंटिन रिएक्शन जो है आपका, जिसको हम बोरेक्स टेस्ट कहते हैं, है ना, ये जनरल टेस्ट है किसके लिए, एलोवेरा के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, एलो के आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरल टेस्ट है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो एलो है ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोरेक्स टेस्ट भी कहते हैं, और सोको इंटेंटिन रिएक्शन भी इनको कहा जाता है, और ये ग्रीन फ्लोरोसेंस शो करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रीन फ्लोरोसेंस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। साथ ही साथ इनके और कुछ टेस्ट हैं एलोवेरा के, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रोमीन और बोरेक्स टेस्ट में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है हर स्टूडेंट्स को, तो जो ब्रोमीन टेस्ट है वो भी क्या है, जनरल टेस्ट है इसका। जब हम क्या करेंगे, सारे प्रोसेस
प्रोसेस वैसा ही करना है जैसे हमने क्या किया, फिल्टर किया, किसल गुहर का यूज़ किया, वैसे ही प्रोसेस करना है। केवल इनका केमिकल यदि हम चेंज कर दें, यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड कर दें, तो ये क्या करेगा, वहीं पर येलो कलर शो करता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा, ओके। बट वहीं पर हमने बोरेक्स को ऐड कर दिया तो ग्रीन फ्लोरोसेंस ये शो करती हैं। तो इन दोनों डिफरेंस को अच्छे से याद रखिएगा, ब्रोमीन और बोरेक्स टेस्ट का पूछा जाता है ना। अब स्पेशल टेस्ट की बात करेंगे तो नाइट्रस एसिड टेस्ट, क्यूप्रोलाइन टेस्ट अभी जस्ट हमने देखा, अभी जस्ट हमने क्यूप्रोलाइन टेस्ट जिसको आइसोबार्बालोइन क्लंक्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट जो कि क्या होता है, मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट मींस मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट, है ना। मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए उनको किया जाता है, जहाँ पर आपको याद रखना है क्या यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे, फेरिक क्लोराइड भी, मेन FeCl3 मेन। कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट यदि बात करें, केमिकल रिएजेंट क्या है मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट का, तो वो है FeCl3, ओके। चलिए तो ये सारे टेस्ट याद रखिए, हमेशा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग आर नॉट ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं, हम लोग नेचुरल जो ड्रग हैं उनको स्टडी करते हैं, चाहे वो क्या है, मिनरल हो, मरीन हो, या फिर प्लांट हो, या फिर एनिमल हो, है ना। तो यहाँ पर प्लांट ओरिजिन नहीं है ये दिया गया है, तो हाइपेरिकम, रुबाब और जिम्नेमा और कोकिनियल दिया गया है ना। तो जो कोकिनियल है वो क्या होता है, इंसेक्ट होता है एक, ठीक है, इंसेक्ट होता है, और मेनली इनके जो लार्वा होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के लार्वा से ऑब्टेन होता है, और ये इंसेक्ट बहुत ही ब्राइट रेड कलर का होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कलरिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इमेज दिखा दूँ तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस टाइप से इंसेक्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, मेनली इसको हम क्या कहते हैं, कोकस कैकटी कहते हैं, ठीक है। यदि इनका हम बात करें क्या कुछ इनका जूलॉजिकल नेम है कह लीजिए, है ना, तो आपका क्या है, कोकस कॉकटी इनका नेम होता है ना, और ये कॉकिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये रेड कलर के होते हैं, ब्रिलियंट रेड डाई ये क्या करते हैं प्रोड्यूस, यहाँ पर मतलब कि यूज़ में ये आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट है ये एक टाइप का। आगे बढ़ते जाते हैं, द ए ग्लाइकॉन ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड सिंथेसाइड थ्रू द बायोजेनेटिक पाथवे ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड में क्या होते हैं, ए ग्लाइकॉन पार्ट और ग्लाइकॉन पार्ट, ये दो चीज़ें होती हैं, है ना, ग्लाइकॉन पार्ट प्लस ए ग्लाइकॉन पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है ना। तो जो ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो क्या हो गया, सुगर पार्ट इनका, और ए ग्लाइकॉन मीन्स क्या हो गया, नॉन सुगर पार्ट, और यही ए ग्लाइकॉन पार्ट है जो कि थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब देखिए ये जो आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट है वही रिस्पॉन्सिबल हुआ थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए भी, तो वो जो मेन एक्टिव है वो सिंथेसाइज होता कौन से पाथवे से है ना, दिया गया है सिक्मिक एसिड, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, मेवालिनिक एसिड और मेवालोनिक एसिड पाथवे, है ना। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड की बात करें और इनके ए ग्लाइकॉन पार्ट की, तो मेवालोनिक एसिड पाथवे है जो कि सिंथेसाइज होता है, जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है इनसे सिंथेसाइज होती है। एक बार इस टेबल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्राक्विनोन जितने भी ग्लाइकोसाइड्स हैं, जैसे हमने क्या देखा, सेन्ना, रुबाब, कैस्केरा, एलो देखा, उनकी सिंथेसिस क्या होता है, सिक्मिक एसिड पाथवे और मेमालोनिक दोनों से पाथवे से इनकी सिंथेसिस होती है। बट ग्लाइकोस जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड और सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है उनकी सिंथेसिस मेमालोनिक एसिड पाथवे से ही होती है ना। देन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड सिक्मिक एसिड पाथवे, है ना, जो आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है उनका सिक्मिक एसिड पाथवे से सिंथेसिस होता है। आइसोथायोसाइनेट है और फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड है वो सिंथेसाइज होते हैं एसिटेट पाथवे से, और साथ ही साथ सिक्मिक एसिड पाथवे से ये होते हैं सिंथेसाइज, और जितने अदर ग्लाइकोसाइड्स हैं वो भी साथ ही साथ सिक्मिक एसिड पाथवे से ही सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यदि कार्डियक ग्लाइकोसाइड और सेपोनिन से आए तो आपको मेवालोनिक एसिड पाथवे को टिक करना है। जहाँ पर क्या कुछ होगा मेवालोनिक एसिड पाथवे में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्क्विलिन है, ठीक है, स्क्विलिन है, वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और देखिए यहीं पर से फिर क्या कुछ बनेगा आपका, डायोजेनिन और योहेम्बिन, है ना, यामोजेनिन, ठीक है, जो आपका डायोजेनिन और यामोजेनिन, ये क्या हो गया, अब डायोजेनिन मीन क्या हो गया,
डायस्कोरिया, ठीक है, डायस्कोरिया से ऑप्टेन होता है डायोजेनिन, ये हो गया आपका स्टेरॉयडल, ये भी एक है ना। उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखो प्रिग्नेनॉन बनाया, और ये प्रिग्नेनॉन क्या करता है, तो ये बनाते हैं आपके जितने भी डिजिटॉक्सीजेनिन, डिगॉक्सीजेनिन है ना, जिटॉक्सीजेनिन, ये सारे क्या है आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड के ए ग्लाइकॉन पार्ट। देखिए जेनिन जेनिन लिखा है, इट मीन्स क्या हो गया, ये ए ग्लाइकॉन पार्ट होगा, जो कि क्या कुछ होता है, तो ये मेमालोनिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है, आफ्टर कलेक्टिंग कैस्करा बार्क इट इज अलाउड टू स्टोर फॉर एटलीस्ट वन ईयर, ठीक है, ये आपका क्या है एसर्शन दिया गया, रीजन में है फ्रेश बार्क कंटेनिंग एंथ्रानॉल विच काउज ग्रिपिंग इफेक्ट कैन बी ऑक्सीडाइज टू एंथ्राक्यूनॉन अपॉन स्टोरेज। देखिए तो अब एसर्शन और रीजन दोनों ही चीज़ दिया गया है, इसमें हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर सही है, ठीक है। तो कैस्केरा बार्क को क्या होता है, आपको पता है ये कैस्केरा बार्क लेग्जेटिव की तरह यूज में आते हैं, तो जो लेग्जेटिव होते हैं, कुछ कुछ लेग्जेटिव ऐसे होते हैं जो कि ग्रिपिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रिपिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है, जो स्टमक में बहुत ऐठन सी फील होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐठन फील होगा, इसको साइड इफेक्ट कह सकते हैं जितने भी लेग्जेटिव हैं उनका, ठीक है। तो ये क्या होता है ग्रिपिंग इफेक्ट, ठीक है। तो क्यों होता है ग्रिपिंग इफेक्ट, तो जो कैस्केरा बार्क है उनको जब हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें प्रेजेंट होता है एंथ्रानॉल, ठीक है, एंथ्रानॉल प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो ग्रिपिंग इफेक्ट शो करते हैं, है ना। और उसी को यदि हम एक साल के लिए रख दें, पहले हमने कलेक्ट किया फिर उनको एक साल के लिए यदि हम रख लेते हैं, तो यह जो एंथ्रानॉल है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना लेता है, एंथ्राक्यूनॉल, ठीक है, एंथ्राक्यूनॉन ये बना लेगा, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये मोर एक्टिव नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, है ना, मोर एक्टिव आपका ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है एंथ्रानॉल, अभी मैंने आपको बताया भी था एंथ्रानॉल और एंथ्रानॉन में डिफरेंस, है ना। चलिए तो ये जो क्या होगा, जब कभी भी ये एंथ्राक्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाता है स्टोर कर रही से, तो जो ये ग्रिपिंग इफेक्ट है मीन्स जो साइड इफेक्ट होता है लेग्जेटिव का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कह सकते हैं किसका, जो आपका रीजन है उसका, है ना, क्योंकि कैस्केरा बार्को को एक साल हम स्टोर करके रखेंगे ही, तभी जाकर उसकी ग्रिपिंग इफेक्ट है वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि एंथ्रानॉल कन्वर्ट हो जाता है मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाता है एंथ्राक्विनॉन में। क्लियर है यहाँ तक चीजें, आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। ये जो आप यदि स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर के थ्रू देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, ये क्या है एंथ्रानॉल, एंथ्रानॉल है जो कि ऑक्सीडाइज्ड होगा, एंथ्राक्विनॉन बनाएगा, ठीक है, जिससे कि इनकी जो ग्रिपिंग इफेक्ट है वो कम हो जाती है। आगे बढ़ते जाते हैं, चलिए दिया गया फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड। ओके ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, क्या कुछ होता है ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड को यदि हम स्प्लिट करें तो क्या कुछ बनता है, एक आपका ग्लाइकॉन पार्ट और एक ए ग्लाइकॉन पार्ट, है ना, मीन्स एक सुगर पार्ट और एक नॉन सुगर पार्ट। तो जो नॉन सुगर होता है ए ग्लाइकॉन, वही रिस्पॉन्सिबल होता है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए, है ना। और जो आपका ग्लाइकॉन पार्ट है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, ये क्या कुछ करता है, तो ये इनके ट्रांसपोर्ट का एब्जॉर्प्शन का काम ये करेंगे ए ग्लाइकॉन का, है ना। चलिए तो थेरेप्यूटिक एक्टिव होता है ए ग्लाइकॉन। तो ग्लाइकोसाइड आर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सबस्टेंस, जी हाँ ये क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, एमॉर्फस भी है, मतलब कि हो सकता है ना। दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एल्कोहल। ओके सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और डाइल्यूट एल्कोहल में सॉल्यूबल, इट मीन्स देखिए आपको क्वेश्चंस में ही आंसर मिल जाएंगे, जब ये सॉल्यूबल है वाटर में और डाइल्यूट एल्कोहल में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए और कुछ ऑप्शन दिया गया है क्या, हाँ तो एस में क्या कुछ दिया गया है, ग्लाइकोसाइड आर इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना, तो ये क्या होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फिर क्या कुछ दिया गया है, ए ग्लाइकॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और ड्रग, जी हाँ है ना, अभी जस्ट हमने देखा कि एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके हो जाते हैं करेक्ट, तो पी क्यू आर एस सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ट्रू होंगी। ग्लाइकोसाइड्स के सिंपल क्वेश्चन था सबसे, जो कि इनकी प्रॉपर्टी से आया हुआ था। ओके नेक्स्ट चलते जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड इज यूज एज एन इनेमा इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन टू एक्सपेल थ्रेड वॉर्म। इनेमा क्या कुछ होता है, तो इनेमा एक प्रकार का एसिडोसिस फॉर्म है जिसको क्या किया जाता है, रेक्टम रूट से दिया जाता है, ठीक है, रेक्टल रूट से दिया जाता है। ओके रेक्टल रूट में क्या होता है, ये इन्फ्यूजन के फॉर्म में या फिर हम लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे, है ना। तो देखिए तो इन्फ्यूजन फॉर्म में ये रहता है, जो कि क्या करेगा, थ्रेड वॉर्म्स हैं उनको
क्या करता है, एक्सपेल कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है, बॉडी से। तो ये क्या कुछ है जो एक्सपेल कर रहा है, थ्रेड वॉर्म को इनमें यूज़ करेंगे, तो वो आपका ड्रग है, जैसे सोलेनम दिया है, जेंसियन दिया गया है, कालमेक दिया गया है, क्वाजिया। तो क्वाजिया जो होता है वो यूज़ होता है मेनली इन्फ्यूज़न की तरह इनेमाज में, जो कि एक्सपेल करता है थ्रेड वॉर्म्स को, ठीक है। जो आपका क्वाजिया है, जिसको हम जमाइका क्वाजिया भी कहते हैं, पिक्राजमा एक्सेल्सा इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, सीमा रूबिएसी इनकी फैमिली होती है, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके क्वाजिया, बीटा ग्लाइकोसाइड, जैसे कि हमने देखा भी था, है ना, जो बीटा ग्लाइकोसाइड अभी एग्जांपल में भी देखा था हमने, जिसको हमने सिया करके याद रखा, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होते हैं। बीटा टॉनिक तो है ही, क्योंकि बीटा ग्लाइकोसाइड है ना, और ये क्या कुछ करेंगे, तो ये आपके इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होते हैं, थ्रेड वॉर्म्स वगैरह हैं जो उनको एक्सपेल करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्जन ऑन इट्स हाइड्रोलाइसिस विच इज एविडेंट फ्रॉम कलर चेंज फ्रॉम येलो टू ब्रिक रेड द कन्वर्जन इज। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कुछ दिया गया है आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइनोफोरिक जो ग्लाइकोसाइड होते हैं, इट मीन साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड, याद रखिए क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, क्या कुछ थे, जो कि वाइल्ड चेरी बार्क थे, और एक क्या था आपका वाइल्ड चेरी बार्क के साथ ही साथ आपको याद कराया था हमने बिटर एलमंड, ठीक है। ये दो ऐसे होते हैं जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के अंदर आते हैं, जब इनको हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोलाइज होने से ये इनका एविडेंस है कि कैसे पहचानेंगे यदि बात करें, है ना। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, उनकी आइडेंटिफिकेशन के क्या किया जाता है, जब इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ब्रिक रेड, मतलब कि कलर इनका चेंज हो जाता है येलो से ब्रिक रेड में। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए जो आपका साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड है, यहाँ पर हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हाइड्रोलाइज होकर क्या करेगा, सोडियम पिक्रेट से सोडियम परप्यूरेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। सोडियम पिक्रेट से सोडियम परप्यूरेट में चेंज हो जाएगा, जिससे कि क्या होता है, इनका जो कलर है येलो से ब्रिक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या कुछ है, देखिए इसमें क्या कुछ है, इसको हम लोग साइनोफोर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं एक ग्लाइकॉन पार्ट में। एक ग्लाइकॉन पार्ट ही क्या होता है, मेन एक्टिव आपका होता है, ठीक है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। तो हाइड्रो जो आपका एक ग्लाइकॉन पार्ट है वही होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको साइनोफोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या कुछ होता है, जब हम लोग साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड को क्या करेंगे, यहाँ पर इनका लिब्रेशन हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पर एक ग्लाइकॉन पार्ट में हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट है, अब इन हाइड्रोसाइनिक एसिड का यदि हम क्या कर देते हैं, लिब्रेशन हो गया, मीन्स ये रिलीज हो गए, तो क्या कुछ होता है, इनकी हाइड्रोलाइसिस हो गई, तो सोडियम पिक्रेट से क्या हो जाते हैं, सोडियम परप्यूरेट में चेंज हो जाते हैं, जो कि एविडेंट मीन्स एक प्रकार से कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है, किसके लिए, येलो से ये रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम पिक्रेट से सोडियम परप्यूरेट में ये चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, द बिटरेस्ट सबस्टेंस इन जेंसियन लुटिया इज, मीन्स जेंसियन लुटिया क्या है, जेंसियन के बारे में पूछा जा रहा है। हमने देखा था अभी ट्रिक में कि क्या कुछ होता है, जेंसियन बिटर ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है, याद करिए ट्रिक में क्या था, जब जेल जाता है लास्ट में, बेटर गाय नाम का जीम रहता है, वहाँ से वो जेल चला जाता है, जेल से आपको जेंसियन याद रखना था, क्या कुछ थे, बिटर ग्लाइकोसाइड। तो इसमें कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि इसकी बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और इस जेंसियन में सबसे बिटरेस्ट सबस्टेंस जो प्रेजेंट होता है उसको हमें आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। क्या कुछ दिया गया है, जेंसियोजेनिन, जेंटिसिन, एमारोजेंटिन, ठीक है, जेंसिए एनिन, तो क्या कुछ होता है, तो याद रख लीजिए जो एमारोजेंटिन है ये बिटरेस्ट सबस्टेंस होता है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि बहुत ही बिटर होता है टेस्ट में, जो कि जेंसियन में प्रेजेंट ये होगा, ठीक है। आगे बढ़े, द बायोलॉजिकली मोर एक्टिव रिड्यूस्ड एंथ्राक्विनोन लॉस देयर एक्टिविटी ड्यूरिंग स्टोरेज बिकॉज, देखिए बायोलॉजिकली मोर एक्टिव जो रिड्यूस्ड एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, क्या होते हैं वो, एंथ्रानॉन है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं, मैंने बताया था आपको, जब उनको स्टोर कर दिया जाता है तब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, फिर उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इट मीन्स जब उनको स्टोर करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो कहीं पर ऑक्सीडेशन दिया गया है यहाँ पर, जी हाँ, दे आर हाइड्रोलाइज एंड ऑक्सीडाइज्ड, हाँ, स्टोर करके रखने से हाइड्रोलाइज और ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि उनका जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है, एंथ्राक्विनोन्स जितने भी हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स ही बताए, इनका डिफरेंस भी हमने आगे देख लिया है। आगे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग के जो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं एक दो का आपको यदि पता है यहाँ पे ऑप्शन, इजी से फिर आप मैच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लीव्स और माइक्रोस्कोपिक का कैरेक्टर दिया गया है, म्यूलिन लीव्स, प्रिमरोज लीव्स, कॉम्फेरी लीव्स, डिजिटेलिस लेनाटा और डिजिटेलिस परप्यूरिया। इट मीन्स जितने भी डिजिटेलिस का हमने अभी जस्ट क्या देखा था, इनका एक टेबल देखा था जहाँ पर उनके जितने भी एडल्ट्रेंट हैं है ना, उनका और उनकी माइक्रोस्कोपिकल कैसे आइडेंटिफाई करना है उनका लिस्ट दिया था। मैंने आपको कहा भी था कि इनको जरूर से याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा म्यूलिन लीव्स में क्या कुछ प्रेजेंट होता है, यूनिसेलेट कवरिंग ट्राइकोम होता है, जी हाँ ये तो यही मैच हो गया। प्रिमरोज लीव, प्रिमुला वल्गेरिस, याद कीजिए जहाँ पर क्या कुछ था, कैंडेलेब्रा ट्राइकोम था, उनसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता था है ना, तो ये आपका कैंडेलेब्रा ट्राइकोम, ये भी करेक्ट हो गया। कॉम्फेरी लीव में क्या कुछ होता था, तो इनमें मल्टी सेलुलर ट्राइकोम प्रेजेंट होते थे। डिजिटेलिस लेनाटा में सिंपल ट्राइकोम्स होते हैं, हाँ भाई। डिजिटेलिस परप्यूरिया ग्रैंडुलर ट्राइकोम होते हैं, हाँ अभी हमने देखा भी डिजिटेलिस परप्यूरिया का पूरा माइक्रोस्कोपी। तो ये तो डायरेक्टली मैच कर जा रहे हैं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में तो आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एंड ई का 5 यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है ना, और वो जो टेबल था वही एग्जैक्टली आपको काम आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, द बार्क सरफेस शोज प्रेजेंस ऑफ लेंटिकल्स, पैच ऑफ लिचेन, कॉर्टेक्स इज कम्पोज ऑफ कोलेनकाइमास एक्सटर्नली और सेल्युलोजिक पेरेनकाइमा ऑन इनर साइड, आइडेंटिफाई द ड्रग। अब इनमें से कौन सा ऐसा बार्क है जहाँ पर क्या कुछ है, देखिए कोलेनकाइमा प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है ये कॉर्क हो गया, उसके नीचे में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स है ना, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेल्युलोज कोलेनकाइमास के सेल हैं वो प्रेजेंट है, और उसके बाद जो आपका पेरेनकाइमा है, कैसे पेरेनकाइमा है, सेल्युलोजिक पेरेनकाइमा है जो कि इनर साइड में सेल जो बार्क हैं उनके प्रेजेंट होंगे। तो कौन से बार्क हैं, ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर, रेमनस रेपोन्टिकम है ना, रेमनस पर्शिनिया, रेमनस इमोडी या रियम इमोडी कह लीजिए है ना, और रियम पेलमेटम। तो क्या होगा, ये जो आपका करेक्टर है, जैसे कोलेनकाइमा की बात कर लें, इनर साइड में पेरेनकाइमा ये होता है आपके कैस्करा में, कैस्करा बार्क, ठीक है। कैस्करा बार्क को क्या कहते हैं हम लोग, रेमनस पर्सिनिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं एक बार अच्छे से डायग्राम में, तो अच्छे से समझ आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉर्क, कॉर्क के जस्ट नीचे क्या होता है, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में क्या कुछ है, अपर साइड में देखिए कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, क्या होता है, काफ़ी डेंस होता है ये, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते कोलेनकाइमास में है ना, इसीलिए देखिए काफ़ी डेंस ये नज़र आ रहे हैं, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं इनके डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं, द कंटेंट ऑफ एलोबार्बर डेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्रोफेज प्रोडक्शन इज, देखिए एलो का आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पर यूज़, ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में आजकल आपने यूज़ देखा होगा, खासकर गर्ल्स तो अच्छे से जानती होंगी कि क्या कुछ फेस वॉश है, क्या कुछ जेल यूज़ करते हैं है ना, तो इनको यूज़ करने का क्या रहता है, मतलब जिससे कि क्या होता है, रिंकल्स वगैरह नहीं आती, एजिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये डेथ सेल होती है उनको रिमूव करते हैं और न्यू सेल ये बनाते हैं है ना, तभी जाकर वो क्या होता है, एजिंग नहीं नज़र आती है जैसे कि सेल्स में। तो जिससे कि क्या होता है, वो क्या करेंगे, डेथ सेल को रिमूव करके न्यू सेल बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ मैक्रोफेज का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है, तभी जाकर वो क्या करेंगे, न्यू सेल यहाँ पर बन पाती है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ है, आप देखेंगे क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेथ सेल के रिमूवल के लिए, एलो इमोडिन दिया गया है, एलोसिन दिया गया है, बीटा बार्बोलोइन और एलो एक्टिन ए। तो इस ए से याद रखिए एजिंग, ये एजिंग होने नहीं देता, ठीक है, एजिंग होने नहीं देगा। तो एलो एक्टिन ए से आपको क्या कुछ याद रखना है यहाँ पर, जो कि है ये क्या करेगा, मैक्रोफेज प्रोडक्शन कराता है, क्योंकि देख क्या करता है, ये इंक्रीज करता है रिमूवल ऑफ डेथ टिश्यू और सेल कहते हैं, जो कि क्या है एलो एक्टिन ए, जिसके कारण क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेज प्रोडक्शन को। आगे चलिए, आइडेंटिफाई द कन्वर्शनल फॉर्म ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्केरा आफ्टर स्टोरेज ऑफ वन ईयर, देखिए कौन से फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, क्या स्टडी किया था आपने, याद करिए यही क्वेश्चन आपको एसर्शन रीजन में मिला था
एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन में दिया गया था, वन ईयर जब हम लोग रखते हैं, क्यों रखते हैं कैस्केरा को, जिससे कि क्या हो जाता है, इनका जो एंथ्रानॉल पार्ट है ना, एंथ्रानॉल जो होता है वो क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, वो ऑक्सीडाइज होकर एंथ्राक्विनोन बना लेता है जो कि थोड़ा कम एक्टिव रहता है और उसमें ग्रिपिंग इफेक्ट फिर नहीं रहता है ना, ग्रिपिंग इफेक्ट जो क्या होता है, स्टमक में बहुत पेन होगा, ये सारे इफेक्ट फिर नहीं रहते, और इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से अभी ही एसोसिएशन रीजन में स्टडी किया भी। आगे चलते हैं, सर्कुलर स्टोमाटा इज द टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ। सर्कुलर स्टोमाटा किस में प्रेजेंट होगा, यह आपने जनरल फार्माकोग्नोसी में भी देखा होगा, जब आपने स्टोमाटा के बारे में अच्छे से स्टडी किया, ये स्पेशल टाइप के स्टोमाटा होते हैं, दो स्टोमाटा स्पेशल होता है, एक आपका होगा संकेन और एक सर्कुलर, है ना, एक संकेन एक सर्कुलर, सर्कुलर में स्क्विल याद रख लीजिए और संकेन में इफेड्रा, बस ये दो चीज याद रख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। सर्कुलर होगा आपका इंडियन स्क्विल, जिसको हम जंगली प्याज भी कहते हैं। आगे आते जाइए, विच कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज यूज एज रिफरेंस स्टैंडर्ड फॉर बायो एसे। बायो एसे के लिए कौन से कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज किया जाता है, बायो एसे क्यों करते हैं, देखिए बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, लिविंग में क्या करना है हमको, ऐसे ऐसे मीन्स क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन या इनका अमाउंट को आइडेंटिफाई करना रहता है। तो अब जितने भी ग्लाइकोसाइड हैं आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड, उनका बायो ऐसे करने के लिए भी हमको क्या करना होगा, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड की जरूरत है। तो यहाँ पर डिजिटलिस, थीवेटिया, एस्ट्रोपैंथस और ओबैन दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ओबैन है, जिसको हम जी एस्ट्रोपैंथिन कहते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, जी एस्ट्रोपैंथिन इसी को हम कहते हैं, है ना, जो कि एस्ट्रोपैंथस ग्रेटस से ऑब्टेन होता है, यही मेनली यूजफुल होता है किसके लिए, बायो एसे के लिए, किनके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बायो एसे हम लोग इससे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओबैन हो जाएगा करेक्ट आंसर, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। आगे आते जाइए, विच इज नॉट एन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ डायोसिन, ठीक है। डायोसिन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है, डायस्कोरिया का, है ना, डायस्कोरिया का केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है डायोसिन। अब इनका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, तब ये क्या कुछ बनाएगा, एक एक ग्लाइकोन पार्ट और ग्लाइकोन पार्ट ये बनाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है जो कि नहीं बनाता, ये दिया गया है नॉट, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो जेनिन दिया है, डायोजेनिन जी हाँ बनाएगा, ये क्या हो गया इसका एक ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है। ग्लाइकोन पार्ट की बात करें, दिया है फ्रुक्टोज, रेमनोज और ग्लूकोज, तो ये जो डायोजेनिन है, रेमनोज और ग्लूकोज ये बनाता है क्या, ग्लाइकोन पार्ट की तरह, बस फ्रुक्टोज ये नहीं बनाता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज, ठीक है। क्या कुछ बनाता है, देखिए डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, डायोसिन है, इनका एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये आपका एक ग्लाइकोन, डायोजेनिन और ग्लूकोज और रेमनोज ये बनाता है। आगे बढ़े, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बेनोक्सिलॉन, ठीक है, कार्बेनोक्सिलॉन का क्या यूज है, ये कहाँ से ऑप्टेन होता है, सबसे पहले बात ये करेंगे। तो आपने ग्लिसराइजा देखा है ना, जहाँ पर हमने पोटेशियम एंड कैल्शियम, उनका क्या रहता है, साल्ट होता है ग्लिसरीजेनिक एसिड का, जो कि स्वीट प्रॉपर्टी होता है ना। हमने क्या कुछ पढ़ा था मुलेठी के बारे में, कि ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज भी आते हैं, है ना। साथ ही साथ इनका एक और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि कार्बेनोक्सिलॉन, जो कि मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी रखते हैं, ये एक्टिविटी साथ ही साथ यूज होता है एंटी अल्सर की तरह, ठीक है, एंटी अल्सर की तरह ये एक्टिविटी शो करते हैं, है ना, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। आगे बढ़ेंगे, विच ग्लाइकोसाइड ड्रग इज यूज फॉर इनके ट्रीटमेंट में, जिनसेंग दिया है, जिनको दिया गया है, सिलीमेरिन एंड ब्लैक मस्टर्ड दिया गया है, तो इनके यूज़ में मेनली मीन्स इनके ट्रीटमेंट में जिनको का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिनको बायलोबा, है ना, जिनको बायलोबा का यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है, उसको जरूर से एक बार रीड करते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिनसेंग, जिनसेंग आपने देखा होगा, अक्षय कुमार जी आते हैं एड लेकर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है ना, इम्यूनो मॉड्यूलेटर का, जो कि मेनली क्या करता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ क्या करता है, ब्रेन फंक्शन, देखिए ब्रेन फंक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये रखता है, लोअर ब्लड शुगर एक्टिविटी करता है ना, और जिनको क्या कुछ करेगा, ये सेरेब्रल वैस्कुलर इनसफिशियंसी को मैनेज करेगा, कंजेस्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं उनको क्या करता है, ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, सिकनेस है उनको एल्टीट्यूड सिकनेस के ट्रीटमेंट में यूज़ होगा, और ये जो आपके रेमन डिसीज़ है ना, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ है, उनके ट्रीटमेंट में सिलीमेरिन का यूज़ आपको पता ही होगा, ये वेल नोन है कि क्या है, हेपेटोप्रोटेक्टिक एक्टिविटी रखता है, ब्लैक मस्टर्ड स्पाइसेस वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बढ़े, विच ड्रग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन सुदर्शन पाउडर, सुदर्शन पाउडर में इसमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है, लिक्वेरिस दिया है, क्वाजिया दिया गया है, पिक्रोइसा दिया गया और चिराता, है ना। सुदर्शन पाउडर एक क्या है आपका,
आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, उसमें प्रेजेंट होता है चिराता, ठीक है। क्या कुछ प्रेजेंट होता है, देखिए चिराता, जिनसेंग, टर्मरिक, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। सुदर्शन पाउडर बहुत आपने यूज़ भी इसका दिखा होगा, चूर्ण की तरह यूज़ इसमें करते भी हैं इनको, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अ ड्रग एक्स इज एन आउटस्टैंडिंग ड्रग फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट कंटेनिंग एल्किलॉइड, बीटेन एंड कोलिन लीव आर यूज आइडेंटिफाई द ड्रग। अब आप बोलेंगे मैम ये तो एल्किलॉइड का क्वेश्चन आ गया, हम तो ग्लाइकोसाइड स्टडी कर रहे थे। पर नहीं, देखिए सारे जो अलग अलग प्लांट है उसमें क्या कुछ है, ग्लाइकोसाइड भी है प्रेजेंट, एल्किलॉइड भी है ना, अलग अलग केमिकल कॉन्सेंट प्रेजेंट होते हैं, बट हम जो मोर एक्टिव होते हैं जिनका यूज़ होता है उन्हें हम लोग उनके कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो आपका ऐसा डायबिटिक ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग है, जो कि क्या करता है, एल्किलॉइड भी प्रेजेंट है जिसमें बीटेन और कोलिन, ठीक है, जिसका हम यूज़ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो किनको कर सकते हैं, जो कि टेस्ट में बिटर हो, है ना। देखिए क्योंकि डायबिटीज़ किसको कहते हैं, शुगर की बीमारी भी कहते हैं, तो शुगर को काटने के लिए कुछ बिटर चीज़ें चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए बिटर कोई ग्लाइकोसाइड आपको नज़र आ रहा है, लिक्वेरिस तो बिटर है नहीं, है ना, पिक्रोइजा भी बिटर है भाई, है ना, बट वो क्या करता है, लीवर प्रोटेक्टिव की तरह एक्ट करता है। चिराता दिया गया है और जिमनेमा दिया गया है, तो जिमनेमा से याद रखिए बिटर गाय जिम में जिम गया था, है ना। तो जिमनेमा जिसको हम क्या कहते हैं, मधुनाशिनी के नाम से जानते हैं, हिंदी में बात करें क्या कहा जाता है, तो मधुनाशिनी इसको हम कहते हैं जिमनेमा को, है ना। और यही एक्टिविटी मतलब कि ये शो करता है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, ओके क्लियर है। यहाँ पर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी ये शो करेगा। चिराता में देख पाएंगे क्या कुछ एक्टिविटी है चिराता का, तो ये स्टमक अपसेट है उनको ट्रीट करेगा, कॉन्स्टिपेशन, इट मीन्स कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ में यूज़ होता है, स्किन डिसीज में यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ उनको किया जा रहा है। देन आगे आते हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच, इनमें से रॉन्ग मैच कौन है, बहुत ही ईजी है, आपके पास ज़रूर से टेबल होगा, नहीं होगा तो ज़रूर से आप लोग बना लीजिए, ग्लाइकोसाइड लिखिए, जितने भी यहाँ पे ड्रग है और उनका सिनोनेम, उनका फैमिली, ये तो आप टेबल बना ही लें, इसे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे सन्ना दिया गया है लेग्यूमिनोसी, जी हाँ ये तो करेक्ट है, रुबाब एपोसाइनेसी दिया है, एलो लिलियसी ये भी सही है, सनेगा पॉलीगैलेसी, ठीक है, तो यहाँ पर सनेगा भी पॉलीगैलेसी होता है ये भी सही है, बट रुबाब क्या होता है, ये देखिए एपोसाइनेसी नहीं होता, ये क्या होता है पॉलीगोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो रुबाब हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग मैच, है ना, पॉलीगोनेसी फैमिली से रुबाब बिलोंग करते हैं। आगे आइए आइडेंटिफाई द, फिर से रॉन्ग मैच आ गया, ये भी क्या है, इनके पार्ट से है। देखिए जब कभी भी बायोलॉजिकल सोर्स आप स्टडी करें पार्ट को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि पूरे प्लांट का हम यूज़ नहीं करते, पूरे प्लांट में से कोई स्पेसिफिक पार्ट जिसमें कोई स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो वही यहाँ पर क्या होता है मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी एक्टिविटी के लिए। तो कौन से पार्ट यूज़ करें, जैसे स्क्विल का बल्ब यूज़ करते हैं, बल्ब मीन्स क्या हो गया, जो आपने देखा होगा इस प्रकार से प्याज में बल्ब का यूज़ करते हैं ना, है ना, वैसी है ना, बल्ब हो गया, कंद जिसको हम कह सकते हैं ना। अब सोरेलिया दिया है, सोरेलिया का फ्रूट यूज़ करते हैं, जी हाँ, जेंसियन का राइजोम यूज़ करते हैं, ये भी सही है, एस्ट्रोपैंथस का लीव दिया गया, तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एस्ट्रोपैंथस का हम क्या करते हैं, हम लोग इनका सीड पार्ट को यूज़ हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी रॉन्ग मैच आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एस्ट्रोपैंथस। केमिकली फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड आर, देखो फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड केमिकली मीन्स इनका स्ट्रक्चर क्या कुछ रहता है फ्लेवेनॉल का, ठीक है। फ्लेवेनॉल मैंने आपको बताया था क्या कुछ होता है इनका, जैसे कि फ्रेंड था, है ना, बकबक कर रहा था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ट्रिक में एक बार देख लीजिएगा क्या कुछ होता है। तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ क्रोमेन, डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रॉल, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोट्रॉल, ठीक है, नॉन। अब इसके बाद क्या है, फ्लेवेनॉल की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, क्रोमेन रिंग इनमें प्रेजेंट होता है, देखेंगे ये आपका क्या है, क्रोमेन रिंग इनमें होता है फ्लेवेनॉल्स में। आगे चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेन्ना, सेन्ना में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आइसोबारबालोइन आइसोबायलेटरल लीफी होते हैं, जी हाँ आइसोबायलेटरल लीफ, इट मीन्स क्या होता है, इनमें जो पैलिसेड सेल होता है वो इनके अपर और लोअर दोनों साइड होता है, एपिडर्मिस के अपर और लोअर साइड दोनों होगा, ऐसे लीफ को मैंने क्या बताया था आपको, आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं, जी हाँ ये आइसोबायलेटरल लीफ होता है। फिर है इंडियन वेराइटी हैज़ मोर हेयर एज कम्पेयर टू यूरोपियन वेराइटी, तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो अलेक्जेंड्रियन सेन्ना होता है उनमें हेयर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर इंडियन में, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था, तो यही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, इनकरेक्ट है। पर भी देखते हैं आगे क्या कुछ दिया गया है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एपिकार्प ऑफ लीफ, हाँ एपिकार्प में इनके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन पेरिकार्प ऑफ पॉड, तो क्या कुछ है, दोनों ही क्यों सही है, क्योंकि
एपिकार्प और पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प और पॉड। पॉड मीन्स क्या होता है, ये आपका फ्रूट, ठीक है, जो सेन्ना का फ्रूट है उनके पेरिकार्प में इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, बट लीफ की बात करेंगे तो एपिकार्प में इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है। ये दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा, इनके कौन से पार्ट में किसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। मीन्स जैसे हम लोग लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो उसके एपिकार्प में मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है, बट वहीं पर हम यदि क्या करेंगे पॉड्स, पॉड्स मीन्स उनका फ्रूट पार्ट को, तब क्या कुछ होगा, तब उनका हमको पेरिकार्प यूज़ करना है। पी फॉर पेरिकार्प, पी फॉर पॉड्स याद रख लीजिएगा। आगे आइए, स्टार शेप्ड मेडुलरी रेज, क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, नॉन लिग्निफाइड जाइलम वेसल आर द टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और नॉन लिग्निफाइड जाइलम। ये जो आपका यहाँ पर माइक्रोस्कोपी दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है रुबाब में, ठीक है, रुबाब में प्रेजेंट होगा ये जो स्पेशल माइक्रोस्कोपी है, रियम इमोडी जिसको कहते हैं, पॉलीगोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो स्टार शेप्ड जो इनका वेस्कुलर बंडल है, ये इनका क्या होता है मेन जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कह सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फॉक्स ग्लो लीव सुड, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फॉक्स ग्लो लीव, फॉक्स ग्लो लीव मीन्स क्या है, डिजिटलिस, और डिजिटलिस में एक कैरेक्टर है कि जब इनको क्या किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है, मीन्स जब इनको कलेक्शन किया जाता है, तो कलेक्शन करने के टाइम क्या किया जाता है, इनको पहले गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, क्या कुछ में 60 डिग्री सेल्सियस से कम हो टेम्परेचर, इसमें आपको इनको हीट करना है। और मॉइस्चर कंटेंट कितना नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट इनका यहाँ पर 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5%, 5 से ज़्यादा यदि मॉइस्चर कंटेंट इनका रहा तो इनका क्या हो जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी के कारण यहाँ पर डिग्रेडेशन होने लग जाता है, इनका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है उनका डिग्रेडेशन होने लगेगा, इसीलिए इनकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, नाइट्रस एसिड टेस्ट ऑफ एलो इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट, नाइट्रस एसिड टेस्ट इनके बारे में भी स्टडी किया था, याद करिए क्लंग्स आइसोबारबालोइन भी हमने स्टडी किया था, तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो क्या होते हैं, आइसोबारबालोइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको किया जाता है, जिसमें क्या होगा, नाइट्रस एसिड टेस्ट में 5 ml हम लेंगे एलो, ठीक है, 5 ml हमने क्या लिया, एलो सॉल्यूशन लिया, जहाँ पर सोडियम नाइट्रेट हमने ऐड किया, कुछ ड्रॉप डाइल्यूट एसिटिक एसिड हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होता है पिंक कलर टू पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, जो कि इंडिकेट करता है आइसोबारबालोइन को। और देखिए ये जो आपका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट कह सकते हैं आइसोबारबालोइन है, इसके लिए क्लंग टेस्ट भी किया जाता है, क्लंग्स आइसोबारबालोइन टेस्ट, और ये आपका क्या हो गया, नाइट्रस एसिड टेस्ट। इसलिए स्वीटनिंग प्रिंसिपल ऑफ मुलेठी इज, ठीक है, मुलेठी जिसको हमने लिक्वेरिस कहा है ना, बताया भी आपको कि इनमें स्वीट प्रॉपर्टी होती है ना, इनको एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ करते हैं, तो इनमें कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टेंट है जो इसके स्वीटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन ऑक्सीरॉन को अभी देखा, एंटी अल्सर की एक्टिविटी रखता है, तो ये जो आपका स्वीटनिंग प्रिंसिपल बात करें तो ग्लिसरीजिन होता है, ग्लिसरीजिन है, ठीक है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसके स्वीटनिंग प्रॉपर्टी के लिए, है ना, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा इनका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स है। आगे आइए, रीजेंट यूज इन क्लंग्स आइसोबारबालोइन टेस्ट, अभी देखा जो कि क्या होता है आइसोबारबालोइन के डिटेक्शन के लिए क्लंग्स किया जाता है, इसी को क्यूप्रोलॉइन टेस्ट कहते हैं, ये बताया था, क्यूप्रोलॉइन से क्या याद रखने को कहा था, कॉपर, ठीक है, क्यूप्रोलॉइन से कॉपर याद रखना है, तो क्या कुछ यूज़ होता है इसमें, कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराइड इसमें यूज़ होता है, एंड 90% अल्कोहल यहाँ पर हम यूज इसको करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। क्या कुछ होगा, देखिए जो क्यूरा का एलो रहेगा वो वाइन रेड शो करता है, कैप एलो क्या करेगा यहाँ पर फेंट कलर शो करेगा, जो कि अल्टीमेटली येलो कलर में चेंज हो जाता है, सोकोट्राइन और जो जिंजीबर है इनमें कोई भी कलर रिएक्शन शो नहीं करते। आगे आइए, द सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन सेन्ना इज, अब आपको पता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, पर ऐसे सोर्स वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इसलिए एक बार रिकॉल करते जाइएगा। तो देखिए सेन्ना क्या होता है, 2 टाइप के सेन्ना होंगे, एक आपका इंडियन सेन्ना होता है और एक अलेक्जेंड्रियन सेन्ना होता है। कैसे याद रखेंगे, केसिया याद रखिए सबसे पहले, अब कैसे याद रखना है, देखिए केसिया में क्या होता है, एक होगा आपका अंगस्टिफोलिया, ठीक है, और एक होता है आपका एक्यूटिफोलिया, गस्टी
फोलिया, ठीक है, अंगस्टी फोलिया। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, कैसे एक्यूट मतलब क्यूट, बहुत क्यूट लगते हैं कौन, जो एक एलिजा नाम की रानी थी, ठीक है, एलिजा नाम की एक रानी थी जो कि बहुत ही क्यूट थी। तो आपको एलिजा से क्या याद रखना है, क्यूट याद रखना है। तो एक्यूटी फोलिया मीन्स एलेक्जेंड्रियन सेना, और वहीं पर इंडियन और एंगस्टी, इंडियन अंगस्टी करके याद रखिए, तो जो अंगस्टी फोलिया है वो क्या हो जाएगा, इंडियन सेना होगा। थोड़ा सा प्रोनंसिएशन चेंज कर करके आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी जाएगा आपके लिए। लेग्यूमिनेसिन की फैमिली होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा बस ट्रिक बनाने के लिए अपना प्रोनंसिएशन चेंज करके, मीन्स मैच जो करे, इस टाइप से आप लोग ट्रिक बनाने की कोशिश करिएगा। आगे आइए, चलिए, कुटकोसाइड प्रेजेंट इन इंडियन जेंसियन हैज प्रूव्ड प्रोटेक्टिव फॉर विच एक्टिविटी बाय CDRI लखनऊ। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक ड्रग क्या किया था, इन्होंने क्या किया है, ड्रग को एक इंट्रोड्यूस किया जहां पर क्या है, कुटकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। कुटकोसाइड प्रेजेंट इंडियन जेंसियन, जेंसियन की बात नहीं हो रही, इंडियन जेंसियन जो कि क्या करता है, प्रोटेक्टिव एक्टिविटी रखता है, क्या चीज़ का प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, हेपेटो प्रोटेक्टिव, है ना, जो कि क्या करेगा, हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी रख रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लीवर टॉक्सिसिटी को क्या कुछ कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लीवर टॉक्सिसिटी के लिए यूज आते हैं क्या कुछ, तो कुटकोसाइड यूज में आएंगे, ठीक है, जिसको हम पिक्रोइजा, हमने अभी देखा था, बिटर ग्लाइकोसाइड्स ये होते हैं, है ना, जो कि CDRI के द्वारा क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, रिसर्च में आया गया था, जो कि जॉन्डिस के ट्रीटमेंट वगैरह में यूज ये आते हैं। आगे चलिए, येलो कलर ऑफ द ड्रग जेंसियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच फ्लेवोनॉइड, है ना, हमने क्या देखा था, जेंसियन में बिटरेस्ट सबस्टेंस होता है एमेरोजेंटिन। अब आए यहाँ पर, इनका जो कलर है येलो कलर वो क्यों होता है, है ना, उनमें क्या कुछ प्रेजेंस है जिसके कारण ये होंगे। तो देखिए एमेरोजेंटिन तो पहले ही क्लियर हो गया यहाँ पर कि हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो और क्या कुछ है, तो इनमें प्रेजेंट है जेंटिसिन, ठीक है। देखिए ये जो आपका प्लांट है बहुत ही सुंदर सा दिखता है जेंसियन, और इनका जो हम लोग यूज़ करेंगे अभी देखेंगे आप, यहाँ पे आपको हल्का सा ब्राउन नजर आ रहा है, एक्चुअली में जब आप इसको वॉश करके ड्राई करके देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट है कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें येलोइस कलर की होती हैं। और ये क्या हो जाएगा, येलोइस कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जेंसियन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो जेंटिसिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जेंटिसिन रिस्पॉन्सिबल होगा इनके येलो कलर के लिए, ओके। तो इस प्रकार से मेनली आप देख पाएंगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हो, जैसे कि स्वीटनिंग, है ना, कोई मेडिकल एक्टिविटी, जैसे कि अभी एंटी अल्सर देखा था, है ना, कार्बन एक्सोलॉन का, तो वैसे कोई जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि इंपॉर्टेंट किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। साथ ही केमिकल जो टेस्ट है उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए आपको केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन मिला, माइक्रोस्कोपी के क्वेश्चन है, कुछ बायोलॉजिकल सोर्स से भी क्वेश्चन दिए गए, ताकि आपको बायोलॉजिकल सोर्स भी मेनली याद रहे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बायोलॉजिकल सोर्स से भी डायरेक्टली आ जाता है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपको दिए गए थे जीडीसी वीकली टेस्ट में, जो कि ग्लाइकोसाइड से थे। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, और एक्चुअली में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये सभी जीडीसी वीकली टेस्ट, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि जीपैट एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जाएं, है ना। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो होने वाला है आपका जीडीसी वीकली टेस्ट, उसमें भी जरूर से ज्वाइन करिए। आप सभी को पता है हम अभी क्या करते हैं, जस्ट जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो आपको मिलता है स्पेशल एडिशन वीकली टेस्ट, हर मंथ के फर्स्ट संडे में आपको मिलता है स्पेशल एडिशन वीकली टेस्ट, जहां पर जो कंप्लीट रिवीजन कराया जाता है। कंप्लीट रिवीजन कौन से, जो प्रीवियस मंथ में आपने किया है, इट मीन्स इस बार आपको इसी संडे मिलने वाला है पूरे दिसंबर मंथ में जो कुछ भी आपने स्टडी किया है उसको रिकॉल करने का मौका, है ना, जो भी चीज़ें आपने स्टडी की हैं उनका आपको मिलेगा यहाँ पर रिवीजन के लिए टेस्ट। तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी बेस्ट।